हेलो एवरीवन, दिस इज दोस्त मोहित रैन। कैसे हो सारे लोग? आ गए क्या? लाइव है, वी आर लाइव लाइव लाइव। लव यू ऑल, लव यू सो मच गाइस। कौन कौन आया आज तो जरा अटेंडेंस दिखा दो फटाफट। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर है आज। हाउ आर यू ऑल, कैसन बस आ रहे लोग? अरे जीनियस युवा, ओ भाई साहब क्या नाम रखा भाई ने, जीनियस युवा, क्या बात है क्या बात है। गुड इवनिंग है, ओके गुड इवनिंग माइमा, व्हाट्सअप हर्ष माइमा, आपको एनोटेशन के साथ नोट्स मिल गए हैं बता दो। मिकी हाय, राहुल हाय, मार्क हाय, व्हाट्सअप गाइस, कैसन बा, कैसे हो सारे लोग, सब चकाचक, कैसे 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 हैं सारे लोग, अरे बताइए तो बताइए तो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एकदम मस्तन बा मस्तन बा, क्या हो गया, हो गया, हो गया। सो हाउ आर यू ऑल डूइंग, कैसे हो भाई सारे लोग? वाह मुस्कुराहट तो देखिए अनीता की। ओके सो आर यू ऑल एक्साइटेड भाई? आज हम मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर करने वाले हैं, तो बुला लो दोस्तों को, शुरू करें हम लेक्चर फटाफट। जब तक मैं इंट्रो दे रहा हूं तब तक, जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जब तक मैं शुरू करूं, आप वीडियो को फटाफट शेयर कर डालो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से है, शुरू से आखिर तक एक भी लेक्चर मिस नहीं करने और ध्यान से देखना। ये फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत है दोस्तों। पहले जो भी हमने किया था दैट वाज मोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली पीरियोडिक एंड जो केमिकल बॉन्डिंग का सेक्शन हमने किया है। अभी भी हमारे केमिकल बॉन्डिंग के सेक्शन का एक लेक्चर आपको पता है कि बचा हुआ है, बट यू नो दैट कि हर बार हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है। हम वो जो सॉल्विंग सेशन एक और जो बचा हुआ है वो भी करेंगे, बट अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला। तो दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट, बुला डालो सबको, जरा जल्दी बुला डालो, सो दैट मैं फटाफट शुरुआत करूं। जितने दोस्त हमारे आज पहली बार जुड़े हैं उनको छोटू से इंट्रोडक्शन दे दे। दोस्त आपका जो है वो 12 सालों से पढ़ा रहा है, अब ये 12 हो गया है तो 12 सालों से पढ़ा रहा है और बहुत अच्छी अच्छी रैंक आपकी दुआओं से बना चुके हैं हम, इंक्लूडिंग सिंगल डिजिट रैंक। और दोस्त आपका जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर से सर्टिफाइड है। दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर डालो फटाफट, और दोस्तों से करवाओ भी सब्सक्राइब, जिनको आप जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो भी करीबी, जो भी आपके दोस्त हैं जानने वाले, उन्हें बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज आगे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही एडुकेशनल, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। आगे जो भी वीडियोस हैं उनमें हमने काफ़ी सारे आपके जो डिमांड है उन सबको फुलफिल करने की कोशिश की है। आपने अपनी तरफ से जो भी सेशंस की डिमांड की है, जो आप हर बार कमेंट सेक्शन में करते हो, सब पर वीडियोस लाने वाले हैं, सब पर सेशंस लाने वाले हैं। आपने रिवीजन की स्ट्रैटेजी के बारे में बोला है, कल स्पेशली बोला था, कमेंट सेक्शन में लिखा था, तो उस पर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो सेशन है उसकी तैयारी में हम लग चुके हैं। हो सकता है कि इसी वीक में आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी बता दें। मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा रिवीजन का सेशन हो जो फोकस्ड हो 11th वाले पर, डिमांड तो 12th वालों की और जो ड्रॉपर्स है उनकी भी है, बट पहले वी विल फोकस ऑन 11th। क्या कहते हो? पहले 11th वाली जो एलिट आर्मी है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अच्छा सच्चाई में बताओ, कौन 11th वाले एलिट ज्यादा ओपी हैं या 12th वाले एलिट ज्यादा ओपी है, ये बताओ तो जरा देखा जाए आज जो है कौन कितना जीलस है। एक बार फटाफट बताया जाए, 11th वाले एलिट ज्यादा ओपी या 12th वाले एलिट ज्यादा ओपी? और सब्सक्राइब कराओ दोस्तों से, ये रूटीन तो पता है ना सबको। आज कौन सी जुलाई है? क्या आज 3rd जुलाई है? ओह कल अमेरिका का वो है हैप्पी बर्थडे, यू नो दैट यूएसए का हैप्पी बर्थडे कल 4th जुलाई। हाँ दोस्तों, आप क्या अपने रिलेटिव से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने दोस्तों से ये शेयर करते हो कि नहीं कि आप एक एलिट आर्मी से जुड़े हो, और दिस एलिट आर्मी, इस एलिट आर्मी के जो एलिट टीचर्स हैं, जो अमेजिंग मास्टर टीचर्स हैं, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वेदांतु का, इट हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अमेजिंग रिजल्ट्स, इंक्लूडिंग सिंगल डिजिट रैंक्स, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड्स है सारे मास्टर टीचर के। और अभी लास्ट के तीन दिनों में जो पीटीएम हुए थे अभी 12th क्लास के ना, सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी यार, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो खुद भी IIT बैकग्राउंड से हैं, खुद ही IIT कैंपस से हैं, खुद ही IITian हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट किया कि वी आर डूइंग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं हम, और सही डायरेक्शन है, और जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ये हमारे लाइव प्लेटफॉर्म पे जो PTM थी, मैं उसका कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ, वहाँ से जो मुझको मोटिवेशन मिला।
बट दोस्तों ऑब्वियसली यार आपके साथ जो यूट्यूब वाली हमारी आर्मी है इसकी भी पीटीएम हो जाए क्या? इसकी पीटीएम तो मुश्किल है, बट यस इन फ्यूचर अगर हमारे पास टाइम रहा तो ये भी देखेंगे। बट मेरे दोस्तों पूरी कोशिश करो जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फटाफट उनको बोलो कि वेदांतो प्रो ज्वाइन कर ले, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर ले। आप में से जितने ऐसे हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूजन खत्म करो और फटाफट ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आपको पता है कि हम वैसे इस टीचर्स रहे हैं जिन्होंने ऑफलाइन में कई सालों तक पढ़ाया और हमने अब जाकर 2 सालों में बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। मैं आपको अपने बारे बताऊं तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था, मुझे ये फील होता था कि ऑफलाइन कोचिंग का शायद कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट इन 2 सालों में मैंने समझा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन एडुकेशन इज फ्यूचर। आपका आने जाने का टाइम, आपके थकने की वजह से जो मेंटल टेंशन होती थी, जो पैसे का जो एक्स्ट्रा खर्च होता था, वो सब कुछ भी नहीं होता है। तो ऑनलाइन एडुकेशन का बस एक ही ड्रॉबैक मुझे लगता है, जो फिजिकल इंट्रैक्शन था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, शायद वो नहीं है। बट मुझे लगता है कि फिर भी जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर यूं कहो जो हमारे लाइव प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हमें अब ये चीज़ फील नहीं होती है। और कोविड चले जाएगा तो वी नो दैट कि जैसे हम ऑफिस जा करके क्लासेस लेते थे या ऑफिस जाया करते थे, फिजिकल अपीयरेंस होता था, कई सारे स्टूडेंट मिलने आते थे ऑनलाइन के भी, तो यार फिजिकल डिस्टेंस भी जो हमारी है ना वो भी मैटर नहीं करेगी। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, अपने लाइव प्लेटफॉर्म में आपको वो सारी प्रॉब्लम्स जो जेन्युइनली आती थी ना ऑफलाइन क्लासेस में, कि टॉपिक आपका छूट गया है, फिर टीचर से बार बार टाइम लेना पड़ता था, टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट खराब हो गया उसे दोबारा रिवाइज करना है, किसी चैप्टर का रिविजन आप चाहते हो, ये सारी चीजें आपकी यहां पर दिखती ही नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व है। क्यों? क्योंकि आप माइक्रो कोर्सेस का हथियार यूज कर सकते हो। माइक्रो कोर्स आपका सबसे बड़ा वेपन है। माइक्रो कोर्सेज, मल्टीपल कोर्सेज के जो फीचर्स है, आप एनरोल्ड रहोगे जेई वाले बैच में लेकिन कभी भी कोई लाइव डाउट सॉल्विंग होती है आप उसमें जा सकते हैं, या ब्रिज कोर्सेज आते हैं आप उसमें जा सकते हो, रिवीजन कोर्स आता है। हमारे माइक्रो कोर्सेज अभी जस्ट आने वाले, कल मैंने अनाउंस किया था, अभी जस्ट आने वाले हैं इस मंथ में। तो दोस्तों माइक्रो कोर्सेज मिस मत करना, बिकॉज उसके थ्रू हम आपके टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कराएंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही मज़े मस्ती में। आप तो देखते हो कि हमारे पढ़ाने में ना सबसे बड़ा स्वाद यही है कि हम ना तो थकते हैं ना आपको थकने देते हैं। आप वैसे थोड़ा थक जाते हो, हम ज़्यादा जवान हैं, है ना? ओके तो दोस्तों प्रो ज्वाइन करो, बिकॉज बहुत ही मज़ा बहुत आता है। मतलब इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ना होता भाई, ऐसा तो नहीं सोचते ना। प्रो ज्वाइन करने का मतलब हंसते खेलते पास करते हैं हम, है ना? और अभी तो ये अपना इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस का जो प्रोग्राम आया हुआ है, ये इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस वाला, सो ये तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन है भी ना, फिर भी आप ट्राई तो जरूर कर लो, बिकॉज कि इंप्रूवमेंट प्रॉमिस प्रोग्राम अगर आपको लगा कि प्रोग्रेस नहीं है तो यार पैसे तो वापस है। लेकिन इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मेरे दोस्त, अगर आप रेगुलर आते हो तो इंप्रूवमेंट होना ही होना है। आपके प्यार पर, हमारी मेहनत पर हमें पता है, आपकी मेहनत पर भी हमें भरोसा है, पता है अगर आप सिर्फ रेगुलर आ गए इंप्रूवमेंट होना ही होना है। तो अभी अगर किसी को कंफ्यूजन भी है प्रो लेने में, मत रखो, ले डालो, इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा। अभी ये चल रहा है, फिर ये बाद में नहीं रहेगा, फिर आपको थोड़ा हो सकता है अफसोस हो, क्योंकि टाइम के साथ रियलाइजेशन होता है। मैं बता रहा था पीटीएम के बारे में, पेरेंट्स, कितने ही पेरेंट्स ने कहा कि पैरेलली बच्चा स्कूल भी जाता है लेकिन उसे पता है कि यहाँ पर की चीज़ें बहुत अच्छी है और वो पूरी कोशिश करता है अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करने की, पूरी कोशिश करता है कि लाइव प्लेटफॉर्म की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करे। बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान से रहते हैं कि यार यहाँ पढ़े, वहाँ पढ़े, कहाँ पढ़े, कैसे कैसे पढ़े, स्कूल के साथ कैसे पढ़े, सारी चीज़ों का ना निवारण है यहाँ पर। ये फीचर्स तो है लेकिन इसके साथ साथ जो मेंटल सपोर्ट आपको मिलता है ना, और मेंटल सपोर्ट में सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप कभी भी लेते हो प्रो, अपने दोस्त का कोड लगाते हो, मैंने अनाउंस किया था कल कि आप मंडे से हर टेलीग्राम मैसेज का आपको रिप्लाई मिलने वाला है, क्योंकि मंडे से आपने दोस्त ने क्या कर दिया है कि टेलीग्राम हवाले कर दिया टीम के, दे विल सी योर मैसेज, डिस्कस विद मी और आपको रिप्लाई करेंगे। तो अगर मैं बिजी भी रह गया फिर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा और वो रिप्लाई मेरा ही होगा, बस हो सकता है मैं टाइप ना करूं, वो टीम जो है टाइप करके आपको भेज देगी, बट आपको टेलीग्राम पर सारे रिप्लाई मिलेंगे। तो आप अगर प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे आप कोई भी वर्जन ले लो, किसी को भी लोगे फिर भी आप फोड़ करके बहुत अच्छा रैंक बनाओगे। हाँ,
वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसके पास जाओ, यहाँ पैसे थोड़े से ज़्यादा है लेकिन इनका कोई, इन पैसों का कोई भी मोल नहीं है, क्योंकि शायद हम इतने पैसे मंथ में यूं ही खर्च कर देते हैं, हिसाब भी नहीं रखते, है ना। आज के टाइम पर ये पैसे नहीं लगते मुझे कुछ भी। मेरा अपना जब टाइम था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। बट आपके लिए या आज के टाइम पर, या सपोज दैट कि आपके पास अगर अफोर्ड आप नहीं भी कर सकते, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, आप यूट्यूब से तो पढ़ी लोगे, है ना। बट रिसोर्सेज हमेशा रैंक में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो रिसोर्सेज लेने लायक अगर आप हो तो मिस कभी मत करो, नहीं तो हमेशा आगे अफसोस होगा। ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा, ये एक एक महीना, एक एक मंथ, एक एक वीक बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करता है, तो कभी भी मिस मत करो टाइम को। और हर बार की तरह एक न्यूज आपसे डिस्कस करनी है एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ, क्योंकि जाते जाते हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं ना, जब लेक्चर खत्म होता है तो आपसे गप्पे मारते हैं और आपको कोई ना कोई धमाकेदार न्यूज और कोई ना कोई बात तो आपको जरूर बता करके जाते हैं। तो अपने दोस्त का कोड डालना और टेलीग्राम पर, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर मुझे ज्वाइन कर लेना, मुझे मैसेज कर लेना। आप अगर प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पक्का मैसेज करो, आपको एक्स्ट्रा मोरल सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, ये वादा है आपका हमसे। ये किसी एडवर्टाइजमेंट में मैंने ऐसे हाव भाव देखे थे तो मैंने ऐसे से मार दिया है। ओके, अगर कोड लगाते हो दोस्त का तो स्पेशली यहाँ पर मैसेज जरूर करो, आप वैसे भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप दैट कि आपने कर दिया है शेयर वीडियो को, और मुझे भूख की भी लग रही है, कितने लोगों को भूख लगी हुई है ये बताओ। सीबीटी टेस्ट सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री अनाउंस नहीं हुआ मुस्कान, कोई बात नहीं, मैं कम्युनिटी पेज में सिलेबस लगा देते हैं मुस्कान, कम्युनिटी पेज में लगा देंगे, अभी क्लास खत्म होने दो, उसके बाद आप एक बार फिर से मैसेज मारना, स्पैम मार देना यार, मैं देख लूंगा और लगवा दूंगा उसको बोल करके, ठीक है, क्लास के एंड में। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हमारा खाना नहीं होता ऋषि, हमारे ना मील्स होते, मेरे 6 मील्स होते, कुछ छोटे कुछ बड़े, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, फैट ज्यादा नहीं होता किसी में। ओके, सो एवरीवन इज रेडी, सारे लोग तैयार हैं। दोस्तों लाइक्स में कमी नहीं होनी चाहिए, ये आप जो मोटिवेशन देते हो लाइक्स के थ्रू, वही हमारी जिंदगी है, हम उसी वजह से यूट्यूब पर है। दोस्तों आप चाहते हो कि अगर आपको यूट्यूब पर हम आपको ऐसे ही मुस्कुराते हुए दिखें, तो लाइक्स में कमी नहीं छोड़नी दोस्तों, फोड़ करके रखना है, खींच कर रखना। ओके, तो शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें। यार मुझे बार बार एक्साइटमेंट हो रही कुछ बातें बताने की, जो भी आगे जो 2-3 वीक में जो आगे जो कारनामे हम करने वाले हैं ना, और यू नो दैट आज आपने एक थंबनेल देखा है अपने दोस्त के, यू नो मतलब मैं कितना चमक रहा हूं उस थंबनेल में यार, है ना। ओके, सर इज दिस चैनल कवर जेई एडवांस, ये देखो असलम क्या पूछ रहा है, क्या जेई एडवांस होता है, कल का केमिकल बॉन्डिंग का एक्सपीरियंस बताओ ना, कल कौन कौन था 6 क्वेश्चन जो जेई एडवांस वाले जो हमने डाले थे कितना मजा आया था आज उसके सॉल्यूशन जाने वाले टेलीग्राम चैनल पर, जो कल 6 क्वेश्चन थे उसके डिटेल सॉल्यूशन डालेंगे, वॉइस मैसेज में भी डालेंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना अपना वेदांतु जेई वाला। चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करनी है आपसे मोल की वैल्यू के साथ, तो एक बार मोल ओपी तो हो जाए और साथ में एवोगैड्रो नंबर ओपी हो जाए। मेरे दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं मोल से, बट मैं आपको मार्क कराऊंगा, बताते चलूंगा कि कहां कहां पर आपसे गलती होती है, और स्पेशली मैं एक वीडियो लाऊंगा अलग से मोल कॉन्सेप्ट के, कैलकुलेशंस की ट्रिक से रिलेटेड अलग से, पहले मैं लाइव में बताने वाला था, बट आई थॉट कि यार एक ना 15 मिनट्स की एक वीडियो बनाएंगे अलग से, जिसमें कि आपको प्रिसाइसली यही बताएंगे कि कैसे ट्रिक्स कौन कौन सी फॉलो करते हैं कैलकुलेशन की। याद रखना है, पहले तो जितने लोग डरते हैं कैलकुलेशन से उनके लिए चैप्टर नहीं है। देखो कैलकुलेशन आप अच्छी कर पाते हो नहीं कर पाते हो ये बाद की बात है, पहली बात यह कि क्या आप डरते हो, अगर डरते हो तो फिर तो जेई आपको, यहाँ पर तो जेई की पढ़ाई हो रही है, कैलकुलेशन थोड़ा रिलेटिवली कम होता है नीट में, बट ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होता, वहाँ भी अच्छा होता है। अगर यहाँ पर 100 के स्केल पर 100 बोलोगे कैलकुलेशन को, तो नीट वाले में आप हार्डली 80 बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब मेडिकल वाले बच्चों को भी कैलकुलेशन करना होता है, मेरे दोस्त आप तो मैथ्स वाले हो, आपको तो पहले से पता था कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह अच्छी, तो आप मैथ्स मैथ्स की तरफ आए हो, कैलकुलेशन से डरना नहीं है,
और आप बस देखते जाओ कि केमिस्ट्री या मोल वाले सेक्शन में ना दोस्त आपका क्या क्या ट्रिक बताता है। आपको बस वही जानना है। आज के टाइम पर मोल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सबने सुना, मैं पहले ये लिख दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता भाई मोल से, तो फिर क्यों पढ़ रहे हम? बदमाशी ना करो, किसी भी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना, इनडायरेक्ट तो आ ही सकता है ना, डायरेक्ट नहीं आता अब, क्योंकि अब यू नो मोल में कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जिसको बहुत कॉन्सेप्चुअल मानते हैं। जो जो भी यहां पर मोल में आप जो डरते हो या फंसते हो ना, उसका रीजन है, उसका एक ही रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन है कि जो माहौल मोल में बना होता है, माहौल जो मोल में बना होता है कैलकुलेशन का, वो आपको बोर कर देता है। जो बुक्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा बातें करती है मोल्स में, ज्यादा बातें नहीं करनी, कुछ टॉपिक्स जानने, कैलकुलेशन ठीक रखना। आप मोल का सेक्शन किसी भी बुक का देखोगे ना, पागलों जैसा कुछ भी होता है, ढेर सारी चीजें भर देते हैं, सब बोर हो जाते हैं। तो एक तो कैलकुलेटिव, दूसरा बोरिंग बना दिया, तो चैप्टर कैसे अच्छा लगेगा? सारे लोगों को लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट खराब हो गया, खराब हो गया। आज के टाइम पर अगर क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेटिव ऐसे मोल से रिलेटेड, तो उसमें कहीं ना कहीं रेडॉक्स को मिला देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन जो इसके बाद का चैप्टर है हमारा, दोनों को मिला देते हैं। तो कभी भी ये मत समझो कि अरे यार मोल कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा करना है चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आपको अच्छा करना नहीं, आपको बेसिक बातें सुननी है, कैलकुलेशन में इंटरेस्ट लेना है, चैप्टर अपने आप अच्छा हो जाएगा, कोई औकात नहीं चैप्टर की, और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं है चैप्टर में, जो टर्म्स है उनको समझना है और फिर सॉल्विंग में इंटरेस्टेड रहना है, बस बात बन गई। तो शुरुआत करते हैं भाई मोल के पॉइंट से। हम सबको पता है मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी स्पाइसेस तो नहीं है ना, स्पेशीज है, ये क्या बताऊं मैं, हमारे गांव में जो स्कूल टीचर होते थे ना, वो स्पाइसेस ही पढ़ती थी, उनका अलग ही था। इसको चिराल पढ़ते थे, और तुम लोगों ने ये पढ़ा है ना, देखो ये काइरल होता है, ये किलेट होता है, सबको याद है किलेट फॉर्मेशन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किया था, तो ये चिलेट चिलेट। आप में से कई सारे लोग बोलते हैं, आप अपने सीनियर को देखिएगा, वो बोलते रहेंगे चिलेट चिराल। ये केमिस्ट्री ऐसी है, केमिस्ट्री होती ऐसी है, पता ही नहीं चलता है कि भैया बोलना क्या है, कायरल बोलना है कि चिराल बोलना है। और रास की बात बताऊं, किसी को बोलोगे तो नहीं, विनय सर भी यही पढ़ते हैं, चिराल ही पढ़ते हैं, फिजिक्स वालों को तो बोलना ही नहीं आता है। सॉरी मैं मतलब यू नो दैट, क्या हम लोग दोस्त, हम तो एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं यार, हम लोग तो एक दूसरे की क्लास में एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, है ना। सच्चाई बताओ, देखो मैं पहले नहीं करता था, फिर मैंने एक दिन क्या देखा, लक्ष्य इंस्टीट्यूट की बात है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, देखो विनय सर को याद रहना कि एचसी वर्मा में एक प्रॉब्लम है ना, जिसमें ना एक बंदर जो है वो लटकता है ऐसे, एचसी वर्मा में ऐसे रोप से ना, रोप में ना बंदर है, बंदर लटकता है ऐसे, समझ रहे हो। तो एक बार क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लास थी, तो मैं क्लासरूम के बाहर से जा रहा था, तो मैंने देखा अरे सर ने ड्राइंग बनाया हुआ कोई बहुत अच्छा, मैं खड़ा हो गया देखने के लिए, मैंने क्या पाया भाई साहब, यहाँ एम लिखा हुआ है, मेरा एग्जाम्पल दे रहे थे बंदर के रूप में भाई साहब, उसके बाद तो मैं बंद ही नहीं हुआ। वैसे देखो तो जरा साइज के हिसाब से कौन लग रहा है, यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताना मुझको, यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना तो यही चाहिए ना, बताओ। लेकिन बताओ यार, अब मैं कैसे छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ता। तो अभी हमारे बीच में चलते रहता यार, इससे मजा आता है मैं बहुत, है ना। तो चिराल और कायरल छोड़ो, मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं मैं, बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे बहुत मन भी कर रहा है कि मैं गप्पे भी मारूं, लेकिन गप्पे नहीं मारेंगे अभी, पहले खत्म करेंगे टॉपिक, लास्ट में गप्पे मारेंगे। कल आपकी जैसे बैंड बजाई थी वैसे ही आज भी बैंड बजाएंगे, तो सेशन के एंड में सारे लोग रहना, कल जैसे आपकी लगी थी आज भी वैसे ही लगेगी। मजा आएगा, अभी कमेंट लिखना, मैं कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट का रिप्लाई करेंगे, वैसे ही लास्ट में 5 मिनट मजे से देखते हैं कि हम क्या गप्पे कर सकते हैं, कल तो बहुत मजा आ रहा था। ओके ना, रुक जाए, अब भूल जाए इन सब बातों को, सीरियस हो जाए भाई, मोल पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए मोल है क्या, तो ये तो पता है आपको, बट पता है इस नंबर की क्या खासियत है, ये नंबर ना एक दूसरे नंबर का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अगर तुम इसे ध्यान में रख गए, ओ हो, तुम तो तबाही मचा दोगे।
आज के लेक्चर की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, ये याद रखना। देखा पहले स्लाइड में मैंने ट्रिक ही बता दी, आज का लेक्चर चलेगा कैसे इसी पर चलेगा। तो आज की सुपर ट्रिक यही है, आज का हमारा सुपर केएफसी सुपर फाड़ू केएफसी ट्रिक यही है कि याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर तो हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज इज इक्वल टू मोल, लेकिन एवोगैड्रो नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है ना 1.66 × 10⁻², ये बहुत यूजफुल रिलेशन है। कैसे यूजफुल रिलेशन है? मोल के बारे में तो पता था, बट एक्चुअली हमें आगे पढ़ना, ये ट्रिक मैंने बता दिया भाई, Na इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ 1.66 × 10⁻²। ठीक है, अब हमें एक्चुअली ना पढ़ना आगे क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं पहले एटॉमिक मास यूनिट पर जाऊं, एटॉमिक मास यूनिट के सेक्शन पर आओ पहले, फिर एक बार वापस पीछे जाएंगे, बट एटॉमिक मास यूनिट को सीखते हैं। मोल के बारे में सबको पता है, जब कभी भी मोल बोला जाए तो जैसे हमारे लिए डजन होता है, दर्जन होता है, ठीक वैसे ही मोल है। जब कभी भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनी स्पीशीज की बात करोगे, वो सारे मोल के टर्म्स में बोले जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में एक छोटे से अमाउंट में ढेर सारे मॉलिक्यूल और ढेर सारे एटम्स होते हैं। तो मोल के टर्म्स में बातें करते हैं जब कभी भी हमें कोई मेजरमेंट डिस्कस करना होता है, रिएक्शन में मेजरमेंट डिस्कस करना होता है। अच्छा, केमिस्ट्री में एक और टर्म है जो आप गलत पढ़ते हो, स्टोचियोमेट्री। ये देखना, स्टोचियोमेट्री भैया, ये स्टोचियोमेट्री नहीं होता है, सारी दुनिया ही स्टोचियोमेट्री पढ़ती है, पता नहीं कौन सा डिक्शनरी में देखते हैं भैया, ये है क्या, इसको ऐसे पढ़ते हैं, स्टोचियोमेट्री। इसका मतलब होता है मेजर्ड वैल्यूज या मेजरमेंट, किसी भी तरह का केमिस्ट्री का मेजरमेंट, या तो रिएक्शन में मोल का हिसाब किताब कर रहे हैं, या तो रिएक्शन में मोल का हिसाब किताब कर रहे हैं, या वेट को मेजर कर रहे हैं, सब स्टोचियोमेट्री। कहीं पर कुछ भी मेजर कर रहे हो, दैट इज स्टोचियोमेट्री। स्टोचियोमेट्री का मीनिंग ये होता है, स्टूडेंट्स बोलते तो स्टोचियोमेट्री, उनको पता नहीं तो स्टोचियोमेट्री है क्या भैया, पहले तो स्टोचियोमेट्री नहीं है, दूसरा मेजरमेंट है, तुमको जरूरी नहीं कि स्टोचियोमेट्री बोलो, मेजरमेंट बोल दो भैया चल जाएगा। ओके, मेरी इंग्लिश नहीं है रजनी, मैं बता रहा हूं दुनिया वालों की, तुमको मिलने वाले, तुमको तो मैंने ज्ञान दे दिया। चायरल नहीं होता, कायरल होता है, चिराल वो किलेट नहीं, चिलेट नहीं होता, किलेट होता, और ये स्टोचियोमेट्री होती है। अब दोस्तों इस पर ध्यान देना, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट, मैंने मोल का जब आपसे डिस्कशन किया तो एवोगैड्रो नंबर को बताया कि 1.66 × 10⁻², का वो रेसिप्रोकल होता है, और अब एटॉमिक मास यूनिट पर आते हैं, ये क्या होता है। पहले शायद आपने पढ़ा होगा कुछ इसके बारे में, बट अब पहले वाली सारी चीजें, चूंकि 10th क्लास तक जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो काफी कम चीजें हमें बताई जाती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अभी आपको एक्चुअल पिक्चर पढ़ना, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली, जब कभी भी हम कार्बन C12 का मास उठाएंगे और उसको उसका उसको डिवाइड करेंगे 12 से, जैसे एक्सप्रेशन लिखा गया उस हिसाब से आप ये भी कह सकते हो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कह सकते हो आप, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कह सकते हो ना, लिखा हुआ है जैसे। तो ये जो पोर्शन है ना 1/12, आई थिंक दैट आई हैव अ ब्लैंक स्लाइड, यस, तो 1/12 पे नहीं, उल्टा पकड़ लिया था, 1/12 into mass of one atom of C12, one atom of C12। यहाँ पर बहुत जरूरी बात है, सुनना ध्यान से, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, 10 मिनट एकदम ध्यान से सुनना, फिर 1 मिनट जो है हम रिलैक्स करेंगे। ये जो क्वांटिटी है ना, दैट इज कॉल्ड AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आज के टाइम पे इसको सिंपली U बोलते हैं, आज के टाइम पर इसको सिंपली U लिखा है NCERT ने। पहले इसका ज्यादा फेमस टर्म था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बोल लोगे डेफिनेशन समझ गए, बिल्कुल मैथमेटिकल है, बट इसके अंदर अभी जाना है डेप्थ में और समझना है कि ये आखिर एक्सप्रेशन से क्या मीनिंग क्या निकलता है। तो एक छोटा सा इतिहास आपको बताऊं, मतलब इतिहास को छोटे रूप में बताऊं, छोटा सा इतिहास नहीं है, इतिहास तो बहुत बड़ा है केमिस्ट्री में मेजरमेंट का। और ये जो मोल और एटॉमिक मास यूनिट वगैरह की जो शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टिंग में ना अलग अलग एटम्स को रेफरेंस बनाया गया था। तो एक टाइम पर हाइड्रोजन भी रेफरेंस था और एक टाइम पर ऑक्सीजन भी रेफरेंस था, बट आज के टाइम पर जिस एटम के रेस्पेक्ट में सारा मेजरमेंट होता है, मास की वैल्यूज लिखी जाती हैं, वो एटम है C12। कार्बन के दो अलग अलग आइसोटोप बड़े फेमस है, C12 और C14। C12 रेडियो एक्टिव है ना, और C14 तो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, सही बोला ना, जिन्होंने यस बोला है ना भी कैमरे के पीछे, बस समझ जाओ उनको प्रेम चोपड़ा की पप्पी, और जिन्होंने नो बोला बिल्कुल सही, जादू की झप्पी, क्योंकि भैया C12 इज नॉट रेडियो एक्टिव है ना, C12 इज मोर स्टेबल। रेडियो एक्टिव स्पीशीज स्टेबल नहीं होते, वो गामा रेज वगैरह रेडिएट करते हैं, रेडिएशन देते हैं, अनस्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस ही उनका अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल। और
पाया ये गया इतिहास में हाइड्रोजन को भी रखा गया था रेफरेंस के रूप में, ऑक्सीजन को भी रखा गया था, बट उनके केस में कैलकुलेशंस, उनके केस में जो वैल्यूज आती थी उनमें एरर ज्यादा आता था। आज के टाइम पर C12 इज रेफरेंस, हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ सालों बाद C12 हट जाए, कोई नया रेफरेंस आ जाए, हो सकता है कि C12 में जितना एरर आता है उससे कम एरर हमारे कैलकुलेशन में आए फ्यूचर में, अगर कोई किसी दूसरे एटम पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो टाइम टू टाइम ना एटम चेंज होते रहता है रेफरेंस के रूप में, किसी एक एटम को रेफरेंस लेकर के कैलकुलेशन का स्केल तैयार किया जाता है। तो AMU एक ऐसा स्केल है जिस पर सारे एटम्स के मास को समझा जाता है। सारे एटम्स के मास को समझना क्यों है? समझना इसलिए क्योंकि एटम्स का मास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उनको सिंप्लीफाई करना होता है। अब मैं रुकूंगा यहां पर, आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है AMU का डिस्कशन मोल में होगा क्यों? इसीलिए होगा क्योंकि एटम्स का मास कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है दिखाता हूं मैं, बट एटम का मास कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमें उसे सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। तो सिंप्लीफाई करके लिखने के चक्कर में, सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए हमें पूरे प्रोटोकॉल्स, पूरे सिस्टम को तैयार करना होता है और एक रेफरेंस बनाना पड़ता है। तो अभी हमारे पास हमारे पूरे सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन का रेफरेंस C12 है। एटॉमिक मास यूनिट के स्केल पर सारे एटम्स के मास को समझना होता है। एटम्स का जो ओरिजिनल मास होता है ना, वो सरदर्द होता है, उसको यूज करना बहुत सरदर्द होता है। क्यों? एटम का जरा रियल मास देखो, C12 का रियल मास पता है क्या होता है? 19.92 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये रियल मास है C12 का। जरा सोचो तो, सारी जिंदगी आप कार्बन का कौन सा मास बोलते आए हो? ये वाला। लेकिन ये उसका रियल मास है ही नहीं, ये उसका रियल मास है ही नहीं। रियल मास कार्बन 12 का ये होता है। तो हर एटम का जो मास होता है वो इसी तरह से लिखा जाता है, ये रियल मासेस होते हैं एटम्स के। तो देख रहे हो आप, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, फिर पावर भी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कार्बन का हमने तो सारी जिंदगी जाना था कि मास होता है 12, लेकिन दिख क्या रहा है ये? तो सच्चाई में हमसे सच्चाई छुपाई जाती है, सुनना फिर से, सच्चाई में हमसे सच्चाई छुपा ली जाती है और हमें जो झूठाई, जो झूठी वैल्यू है वो यूज करनी होती है। बट सच्ची और झूठी कोई वैल्यूज नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, उसको आसान कर दिया गया है। आसान करने के लिए ये रास्ता चूज किया गया, ये कॉन्सेप्ट है, सुना? तो दिस इज एक्चुअल एटॉमिक मास। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एक्चुअल एटॉमिक मास, सुनना ध्यान से दोस्तों एकदम, एक्चुअल एटॉमिक मास। एंड दिस इज नॉट रियल, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने सारी जिंदगी जो C12 क्या है ना, वो सारा रिलेटिव एटॉमिक मास है, और ये जो है ना, ये आपका एक्चुअल एटॉमिक मास है। मैं हमेशा सेशन को यहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक मास वगैरह नहीं समझ में आया तो फिर तो बर्बादी है, ठीक है? तो ये बेसिक है जिससे कि आपको चलना है। दूसरा देखना, कुछ और भी चीजें ऐसी हैं 11th वाले NCERT में देखोगे आप, जो ना 10th में भी पढ़नी है। तो जो बहुत टुच्ची चीजें हैं जिनसे ना तो क्वेश्चंस आते हैं, ना उनका कोई यूज है, ना तो उनसे कोई कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, वो नहीं करने, वो आप बिंदास छोड़ दो। वो अगर स्कूल में कोई बहुत बदमाश टीचर होंगे वही देंगे, नहीं तो भाई जिस टॉपिक का कोई यूज़ नहीं है 10वीं तक पढ़ा हो, जैसे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ना तो कोई यूज़ है, ना तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, टाइम का पूरा वेस्टेज है, बिंदास उसको छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी। बट कभी मैं कोई शॉर्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगा, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाऊंगा, सो दैट, क्योंकि बहुत बोरियत होते हैं, ना तो यूज़ है, ना तो उनका से कोई कॉन्सेप्ट आएगा। ऐसे टॉपिक्स में कभी फंसना ही नहीं, हमेशा स्मार्ट बंदे क्या करते हैं भैया, खुद को एकदम चिल आउट रखते हैं और एकदम टू द पॉइंट काम करते हैं, ना तो कभी एक्स्ट्रा और ना ही वैसी चीज़ें जो कि टाइम वेस्टेज और बोर करती हैं, है ना? हाँ, लेकिन अगर कभी इनऑर्गेनिक की बात आए और किसी ने ये बोल दिया कि भैया रटना पड़ता, बोरियत आती, तो चमाटे मार देना, क्योंकि बताया आपको दुनिया फालतू की बकवास करती है सिर्फ 10% चीज़ें केमिस्ट्री में याद करने की। बहुत आराम से अच्छे से पढ़ पढ़ करके, समझ समझ करके सारी चीज़ें कर सकते हैं, और केमिस्ट्री अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त तो फ्री के मार्क्स आपके जाने वाले हैं। जो आधे घंटे में होने वाला सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही है, केमिस्ट्री, जिसकी वजह से मैथ्स के लिए टाइम बचेगा। इसी ट्रिक को फॉलो करके सारे लोग अच्छी रैंक बनाते हैं। अच्छी रैंक बनाने वालों को पहले से पता होता है, हमारे सारे स्टूडेंट को पहले से पता होता है कि ये करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ा गया, है ना? और 11th में तो और ज्यादा अच्छे से काम करना है, क्योंकि देखो अगर 11th में जो पाप है ना, फिर 12th में अगर धोने पड़े तो मुश्किल होता है।
वैसे तो ट्वेल्थ में भी धो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेवेंथ में पाप कर ले, पाप कम से कम किए जाएं तो अच्छा होगा, है ना। ये पाप जो है वो नहीं धुलने वाले। तो एक्चुअल एटमिक मास कैसे समझेंगे हम, हमेशा जब भी ग्राम में मास लिखा रहेगा वो एक्चुअल एटमिक मास होगा, और अगर ग्राम में नहीं लिखा है, ऐसे छोटा सा प्यारा सा वैल्यू है, वो रिलेटिव एटमिक मास है, ठीक है। बट अगर मैं रिलेटिव एटमिक मास को सच में लिखूं, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज, यहां पे जो डिस्कशन है रिलेटिव एटमिक मास, देखना ध्यान से, ये कार्बन का कितना था 12, ठीक है, रिलेटिव एटमिक मास 12 है। पता है क्या, जो कार्बन एटम का एक्चुअल एटमिक मास है उसको अगर आपने 12 से डिवाइड कर दिया तो एग्जैक्टली 19.92 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये ग्राम होता है ना, इसको डिवाइड कर दिया आपने 12 से, ये एक्चुअल एटमिक मास होता है। वैसे तो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, बट आप इसको ना एक बार डिवाइड करके देखो, रिलेटिव एटमिक मास को निकालना है, और मैंने क्या दिखाया कि एक्चुअल एटमिक मास से डिवाइड, एक्चुअल एटमिक मास को डिवाइड कर रहे हैं 12 से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी तुरंत दिख जाएगा, पेशेंस बस रखो 2 मिनट के लिए। एक्चुअल एटमिक मास को मैंने 12 से डिवाइड किया, पता है यहां से वैल्यू क्या आएगी, 1.66 × 10⁻²। ये वैल्यू अभी कहीं दिखाई दी थी तुमको, ये वैल्यू आपको कहीं पर दिखाई दी थी, बताओ कहीं पर दिखाई दी थी, हाँ दिखाई दी थी, है ना, कहां दिखाई दी थी, इनवर्स वाले में दिखाई दी थी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मैंने तो दिखाया तुमको, बट ये अभी मैं वापस दोबारा लिखूंगा, ये एक बार आपने देखा ना, ये जादू देखा, तो वहां जो एवोगैड्रो नंबर था, उस एवोगैड्रो नंबर का बड़ा प्यारा कनेक्शन है, ये सब कनेक्शन जो बुक्स में दिखाते नहीं है। मोल टफ क्यों नहीं लगेगा, जब ट्रिक्स ही नहीं पता होंगी, कनेक्शन नहीं पता होंगे तो टफ क्यों नहीं लगेगा, टफ लगेगा ना। अब देखो, ये आपने देखा जो एक्चुअल एटमिक मास था मैंने आपको लिख करके दिखाया था, और जो रिलेटिव एटमिक मास था कार्बन का, जब हमने उससे डिवाइड कर दिया तो हम कहां पहुंच गए, एवोगैड्रो नंबर के रेसिप्रोकल पर पहुंच गए, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे पहचानते हैं भाई, हम पहचानते हैं इसका यूनिट होता है ग्राम, ठीक है, और जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका ना यूनिट कभी नहीं लिखते हैं, यूनिटलेस होता है, इसका यूनिट नहीं लिखा जाएगा, एनसीईआरटी ने पहले बताया हुआ है यूनिटलेस होता है, आपको भी याद रखना है यूनिटलेस होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव जब भी बोलेंगे, देखो रिलेटिव वर्ड का एक सिंपल सा मीनिंग है, सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आप ना डेंसिटी बताओ क्लोरीन गैस की रिलेटिव टू हाइड्रोजन, तो उसका मतलब होता है हाइड्रोजन को नीचे रखिए, रेशियो ले लीजिए। जब भी रिलेटिव वर्ड बोलेंगे तो याद रखना है मैथमेटिक्स क्या कहती है, रिलेटिव का मतलब हो गया रेशियो लीजिए, तो रिलेटिव आपको डेंसिटी अगर बतानी है क्लोरीन गैस की हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो क्लोरीन गैस ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, हमेशा याद रखना है कि रिलेटिव बोलने का मतलब रेशियो होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में आप रिलेटिव, रिलेटिव टू विच स्पेशीज आप बात कर रहे हैं, रिलेटिव टू विच स्टैंडर्ड आप बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में बातें हो रही है, रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव, मेरे चाचा मामा पापा, समझ रहे हो, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार जैसे होते हैं ना, किसके रिलेटिव, मेरे रिलेटिव, तो मेरे रिलेटिव, अच्छा ये मेरे चाचा मेरे मामा ऐसे है, मेरे चाचा विधायक है, आपके चाचा विधायक है, नहीं है, तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको कभी रिलेटिव टर्म बोला जाए आपको तुरंत समझ जाना, अच्छा भैया ये किसी के रेफरेंस में बात करेगा। दूसरा, जिसके रेफरेंस में बात करेगा जब आप मैथमेटिकली दिखाएंगे तो वो हमेशा नीचे होगा, याद हो गया, रिलेटिव मतलब रेशियो होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिलेटिव ही नहीं समझ पाते टर्म का मीनिंग क्या है, तो रिलेटिव का मतलब रेशियो है। यहां पर भी अभी मैंने रेशियो दिखाया था, जो मैंने मिटाया उसको मैं अब दूसरे एंगल से दिखा रहा हूं, और फिर हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है यहां पर, अगर ये रेशियो लिखा है इसका मतलब है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस कंफर्म, तो रिलेटिव का मतलब रेशियो होता है, और अगर ऊपर नीचे सेम चीज होगी जैसे डेंसिटी डेंसिटी, तो यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अगर रेशियो की बात की जाएगी, ऊपर नीचे सेम चीजें हैं, तो डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो खत्म हो गया, पता है इसे क्या बोला जाएगा, अब ये जो रेशियो है वो डेंसिटी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी या किसी भी रिलेटिव टर्म का ना कोई यूनिट नहीं होता है, हमेशा यूनिटलेस चीज होती है। तो वैसे ही वो भी जो रिलेटिव एटमिक मास है वो रिलेटिव है, और इसीलिए उसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि रेशियो में ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल आउट हो चुका है। ओके, समझ गए शायद आप,
अपने दोस्त की बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने इसीलिए इसको 3-4 बार रिपीट किया कि भाई ये दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो गई तो मुंह बन जाएगा आपका, और मुझे मुंह बनावा नहीं चाहिए, मुंह खिला खिला चाहिए। तो एक्चुअल एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई यू होता है। अब कौन मुझको बताएगा कि यू है क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन हुआ था और बताया था कि यू इज 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। पहले पेज पर ये वैल्यू होती है यू, ये जो वन यू है ना, वन यू, इसको जो इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, और इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, वन बाई एन ए, दिख रहा है, वन बाई एन ए, सारे लोग देख रहे हैं। तो जब कभी भी एक्चुअल एटमिक मास निकालना रहे तो रिलेटिव एटमिक मास मल्टीप्लाइड बाई यू करो, या अपने लिए ये शॉर्टकट बना लो, और मुझे बताओ क्या ये शॉर्टकट याद नहीं रहेगा, एक्चुअल एटमिक मास आम इज इक्वल टू रामू, देखा, एक्चुअल एटमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटमिक मास मल्टीप्लाइड बाई यू, आम इज इक्वल टू रामू, तो एकदम याद रख जाओगे भैया, कितना आसानी से याद रह जाएगा। रिलेटिव एटमिक मास जरा कोई मुझे बताए, कार्बन का 12 होता है, यू की वैल्यू जरा बता दो फटाफट, 12 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, जरा पुट करो और मल्टीप्लाई करो, देखो तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी जरा बताओ मुझको, देखो 19.92 × 10⁻²⁴ ग्राम। आई बात समझ, ये तो पक्का है, ट्रिक तो ओपी है, ट्रिक ओपी है ना। अब यहां पर जरा सुनना, ये तो आपके पास आम इक्वल टू रामू वाला, तो चलो ये तो मजेदार है ना, लेकिन भैया इससे यूज क्या क्या होगा, यूज ये होगा तुम किसी भी एटम का एक्चुअल एटमिक मास समझ सकते हो, उसका रिलेटिव एटमिक मास समझ सकते हो, वो निकाला कैसे गया, सब सारी कहानी यहां पर है। कोई बंदा इसको जानता है तो उसके मोल के स्टार्टिंग में तो डाउट हो ही नहीं सकता कि ये एटमिक मास वगैरह कैसे आता है, पता है। अगर आपको इसकी नॉलेज कमजोर हो तो यहां पर क्वेश्चन इतना अच्छा बना सकते हैं कि आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो मोल की कहानी की शुरू में ही गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए अपन जो एकदम तरीके से, एकदम ट्रिकी तरीके से चलेंगे, ये आपका ट्रिक है। अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ, जरा देखना, पहला है C12, ठीक है, C12, और देखो अभी अभी कैलकुलेशन में आप लोग पहले कसम खाओ तो आगे बढ़ने से, आप लोग मुझको कॉपी करोगे कैलकुलेशन में, आप लोग मुझको कॉपी करोगे, और कॉपी करते करते मुझसे भी अच्छा कैलकुलेशन करोगे, जितने लोग डरते हैं उनके लिए स्पेशली, पहले कसम खाओ, आई स्वेयर सर आई विल कॉपी यू टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट, आई स्वेयर, कसम है, कसम है, बस कसम है, लिख दो यार, अरे कसम है, आपकी कसम है, आपकी कसम है, एकदम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, आपसे भी धाकड़ कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तो कसम है दोस्तों, और आपने चैट बॉक्स में लिख लिया, अब ये इतिहास में दर्ज हो गया है, अब आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, आप मैसेज रिट्रैक्ट भी करोगे तो वो लिखा चुका है चैट बॉक्स में, अब पीछे नहीं जा सकते, बैकफुट में नहीं जा सकते। अब आइए जरा चेक कीजिए, C12 का एक्चुअल एटमिक मास पूछा है, अच्छा एक्चुअल एटमिक मास पूछा है, पहली बात क्यों पूछा है, अरे भैया पूछा है क्योंकि उसे चाहिए वैल्यू ग्राम में, जो जिंदगी भर हम जो पीरियोडिक टेबल में जो टियो टियो लिखा देखते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल में जो देखते हैं हाइड्रोजन भैया जो ऐसे जो मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे जो मुस्कुराते रहते हैं, या इनके नीचे जो 1. लड्डू लड्डू कुछ कुछ लिखा रहता है 1.00, वो क्या लिखा रहता है भाई, वो उनका एटमिक मास वगैरह लिखा रहता है ना, मास नंबर लिखा रहता है, तो एटमिक मास लिखा रहता है, वैसे मास नंबर एटमिक मास में भी डिफरेंस है, क्योंकि जब हम बोलते हैं एटमिक मास तो वो सारे आइसोटोप का क्या होता है, एवरेज होता है, और वो भी आज सीखना है कि सारे आइसोटोप का एवरेज कैसे निकालते हैं, वहां भी फंसाते हैं, वो भी आज का टॉपिक है। तो सारे आइसोटोप का ना एवरेज लिखा होता है पीरियोडिक टेबल में, वो तो सही है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेबल में जो भी वैल्यू लिखी रहती है ना, वो सबके सब ग्राम से हट करके यूनिटलेस वैल्यूज लिखी रहती है। कैसी वैल्यूज होती है, यूनिटलेस। तो अगर मैंने कहीं पर फास्फोरस पाया, कहीं पर क्या, हमें पता है कि नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस पाएंगे, तो फास्फोरस के ऊपर लिखा रहता है 31। अब 31 का मतलब क्या है, 31 के आगे ग्राम नहीं लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा मतलब कि वो क्या एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में लिखा है, अगर एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में लिखा है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, अगर कोई यूनिट नहीं दिखाया तो रिलेटिव एटॉमिक मास है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटॉमिक मास यूनिट यूज किया जाता है, कौन सा, कौन सी वैल्यू यूज की जाती है, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एक्चुअल एटॉमिक मास, पूरे पीरियोडिक टेबल में। देखो इसीलिए कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में भी राम दिखाई देते हैं,
पीरियोडिक टेबल में भी राम दिखाई देते हैं, इसीलिए राम दिखाई देते हैं क्योंकि भैया यहां पर तो वही ना रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास है, आपको पता चल गया। अरे यार पीरियोडिक टेबल में भी भगवान दिखाई देते हैं। हाँ जी दिखते हैं बिल्कुल, बताओ पीरियोडिक टेबल में भी दिखते हैं। तो ये ना ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, और पीरियोडिक टेबल में रिलेटिव एटॉमिक मास ये जो वैल्यू दिख रही है हमें पता है कि ये रियलिटी नहीं होती। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हमारा सबसे यूजफुल वैल्यू है, बहुत आसानी से उसको हम यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है? एक्चुअल एटॉमिक मास रियल वैल्यू है जो ग्राम में लिखी जाती है। तो अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास 31 इसको कन्वर्ट करना होता तो आपको इसी फॉर्मूले पे जाना होता। वैसे ही क्वेश्चन ने पूछा कि C12 का बताओ, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों बताओ? एक्चुअल एटॉमिक मास फर्स्ट वाले का आंसर बताओ फटाफट, 12 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा? यू की वैल्यू 1.66 × 10⁻²⁴ लाया क्या आपने? जरा जल्दी बताओ मुझको, यहां से इसे हटाया जाए, इधर यार सॉल्विंग की जाए, यार यहां पर इसे हटाया जाए, इधर अच्छे से लिख दिया जाए, किसी को गड़बड़ तो नहीं हो रही, सब समझ गए कैसे निकालना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करना, वैल्यू को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसीलिए कसम खिलवाई है कि मुझे कॉपी करना जहां पर मैं बोलता हूं कि नहीं यहां पर तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे करना है, जहां पर मैं करूंगा ऐसा मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और ना ही उससे कुछ सीख सकते हैं। देखो वो चीजें जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो चीजें जिससे कुछ सीख सकते हैं, वो हमारे कोई काम की नहीं। अगर जरूरत नहीं होती लेकिन उससे कुछ सीख सकते हैं तो हम उसे सीखते पढ़ते, है ना? ना तो उसकी जरूरत हमारे सिलेबस में, ना तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़ना क्यों है? दूर रहना अच्छी बात है, कम चीजें रहनी चाहिए माइंड में, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। तो चलो फर्स्ट वाले का अगर मैं बोलता है एक्चुअल एटॉमिक मास निकालने के लिए तो आप क्या लिखते हैं? 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 × 10⁻²। चूंकि इसकी वैल्यू पहले से मुझको पता है कि क्या होती है तो मैंने फिर से एक बार लिख दिया क्योंकि ये वैल्यू तो अब रटी होनी चाहिए, करेक्ट है। लेकिन देखो ये जो है C14 इसका मैं कैलकुलेट करूंगा ही नहीं क्योंकि अभी कोई जरूरत नहीं है। देखो लेकिन ये होगा, बट मैं क्यों जाऊं कैलकुलेशन पे, अभी इसको फाइनल कैलकुलेट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये वैल्यू आएगी, इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये एक्चुअल एटॉमिक मास हो जाएगा C14 का। सपोज दैट मैं आपको बोलता हूं O16 का निकालो, O16 का कैसे निकालते बताओ मुझको? एक्चुअल एटॉमिक मास O16 का कितना आता बताओ? 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। देखा सही है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बड़ा KFC, देखो क्या लिख रहे हैं। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, इधर की उधर हो जाए, इधर की उधर का मतलब के यू नो दैट के थैनोस यहाँ आ जाए, हम थैनोस यहाँ चले जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे इधर की। अरे यार ये तो दुनिया, इसकी दुनिया अलग ही है, आ जा भाई। ओ सॉरी माय बैड, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं बदलेगा। आम मीठा होता है तो मीठा ही रहेगा। बहुत ही पुअर जोक था, पीजे था ये, आम नहीं बदलेगा। सुना आम नहीं बदलेगा क्या क्या मतलब है? एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं चेंज हो सकता है, कभी चेंज नहीं होगा। अगर कार्बन का C12 का मास, और देखो ये मैं बता रहा हूं ना और साथ साथ भविष्यवाणी कर रहा हूं, जरा ये देखना भविष्यवाणी क्या है हमारी, भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी सुन लो, ऊपर लिखी बात तुम भूल जाओगे, ऊपर लिखी बात तुम भूल जाओगे, एकदम सच्चाई है भाई। पता नहीं आप क्यों भूलते हैं, मैं इतना गरज गरज के चिल्ला चिल्ला के बताता हूं लेकिन आपने तो सुनना ही नहीं है, आप भूल जाते हो। यार क्यों भूलना है यार, इतने अच्छे से तो बताया ना आपको, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए लेकिन आम नहीं बदलेगा, एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं चेंज करता, तुम कुछ भी कर लो नहीं होगा, कुछ भी कर लो भाई, तुम दूसरे ग्रह चले जाओ कुछ भी कर लो वो नहीं बदलने वाला। मतलब हाँ ठीक है दूसरे ग्रह की अब क्या बात करें, नहीं करना चाहिए, इतने ज्ञानी नहीं है हम दूसरे ग्रह पे क्या होता है, लेकिन लेकिन इस दुनिया में इस धरती पे नहीं होगा, ठीक है हमें इस धरती पर की बात करनी, तुम कुछ भी कर लो नहीं होगा, हम वैसे भी कौन सी चीज क्या कर ही सकते हैं, है ना? तो तुम चाहे कितना भी गंदा सोच लो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। बट देखो मैं कह रहा हूं कि नहीं चेंज होगा लेकिन तुम चेंज कर दोगे क्योंकि तुम भूल जाओगे, भूल जाओगे तो चेंज कर दोगे। अब चेंज मत करना, जरा देखना इसी पर एक क्वेश्चन है और एकदम
₹51। ध्यान से सुनना और फटाफट जवाब देना, कंपटीशन आज टफ है ना, आज ज्यादा लोग आएगा, आज जो है वो कंपटीशन टफ है तो। और दोस्तों लाइक्स फोड़ करके रखो नहीं तो पाप लगेगा फिर। मोटिवेशन प्लीज, लाइक्स उठा करके रखने, आपका जो प्यार है वही तो मोटिवेशन है ना। अब ध्यान से सुनो, इफ डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज चेंज्ड, नया डेफिनेशन आ गया, यू डैश इज इक्वल टू 1/14 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ सी, वन एटम ऑफ सी 14। ध्यान से सुनना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, क्या चेंज होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, एक ही हो सकता है, बट आपको पता है कि हमारे क्लास का क्या नियम कानून है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। चलो शुरू हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंजेस, इस पर ध्यान नहीं है ना, इतने प्यार से मैंने इनाम रखा है लेकिन आपने गड़बड़ करनी है, मैं समझ रहा हूं। आराम से हम चेक करेंगे, और ये जो भी इनाम जीतने वाले हैं वो कल 11 से 12 बजे के बीच में टेलीग्राम पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजेंगे और वहीं पर जो है आपको ये इनाम मिल जाएगा। हर दिन मैंने विंडो फिक्स कर दी है, उसी विंडो में आपको मिलना है। फिर ऐसा नहीं कि आज रात में मैसेज कर रहे हैं, शाम में मैसेज कर रहे हैं, बाद में मैसेज कर रहे हैं, नहीं, बस 11 से 12 के बीच में कल ले लेना इनाम। सो दोस्तों चेक करते हैं अब किसने किसने सही किया है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है उसको सुनना। जैसे अगर आप बैक जाओगे तो हमने जो डिस्कशन किया था, जरा देखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यू, ओरिजिनली जो हम यूज करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में वो यू इस डेफिनेशन पे चलता है ना, ये डेफिनेशन है 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ओके सुनना ध्यान से, ये डेफिनेशन है ओरिजिनल और अभी हम यहां पर है, इस क्वेश्चन पर है। सो पहले आपको जो अभी जस्ट एक KFC बताया कि एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं चेंज करेगा, क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, एक्चुअल एटॉमिक मास तो चेंज कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल एटॉमिक मास जो है वो, चूंकि इसके रेफरेंस में पूछा जा रहा था कि कौन कौन चेंज होगा, तो एक्चुअल एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होने वाला, एक्चुअल एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसे चेक करना है ये सही है कि गलत है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सी 14। ये कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ये निकालते कैसे हैं? ये निकालते हैं आम डिवाइडेड बाय यू से, यही फॉर्मूला होता है ना, आम इज इक्वल टू रामू, तो राम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आम डिवाइडेड बाय यू, सही है। बट अब नया यू लिखेंगे ना, नया यू लिखेंगे ना, ये राम मतलब के रिलेटिव एटॉमिक मास अगर नया वाला लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो यू डैश है इसको भी तो यू न्यू लिखूंगा ना, इसको भी तो यू न्यू लिखूंगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूं, उसके बाद आप उसका शॉर्टकट बना लेना है। आपके पास यू न्यू क्या है, 1/14 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 फटाफट हमने वन एटम ऑफ C14 है। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि ये जो मास ऑफ वन एटम ऑफ सी है, ये एक्चुअली रिफर करते हैं हम किसको, एक्चुअल एटॉमिक मास को। याद करो C12 वाले को कैसे निकाला था, वैसे यहां पर भी निकालेंगे, ये देखो कैसे निकाला था, इसे देखो मैंने क्या बताया था, अगर अगर मान लो कि तुमको निकालना है मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, अगर निकालना होता है, वैसे इसकी वैल्यू होती है 19.92 × 10^-24, बट मैं अगर तुमसे पूछूं
ये जो वैल्यू है ना, शायद हमने इसको अगले पेज पे किया हुआ भी है। हाँ, यहां पर किया हुआ है, जरा देखना। तो अगर मैं कहता कि C12 का आप एक्चुअल एटॉमिक मास निकालो, तो आप C12 का एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे निकालते हो? उसके रिलेटिव एटॉमिक मास 12 को मल्टीप्लाई करते हो इतने से। 12 C12 का एक्चुअल एटॉमिक मास है, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1.66 × 10⁻²⁴ से, तो एक्चुअल एटॉमिक मास आता है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो जब आपके पास ये फॉर्मूला है नए यू का 1/14 × μ(1) c₁⁴, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो मास ऑफ वन एटम ऑफ c₁⁴ है ना, इसकी वैल्यू बता दो मुझको। आप क्या बोलोगे वैल्यू? आप क्या बोलोगे वैल्यू? वैल्यू हमेशा ऐसे लिखी जाती है, चाहे यहां पर कुछ भी हो, चाहे यहां पर कुछ भी हो, हमें पता है कि अगर आपने मास बोला है तो ये किस यूनिट में आएगा? ये ग्राम के यूनिट में आएगा, पता है हमें, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मास जो लिखा है वो तो ग्राम में आएगा। और अगर मास निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फंडा है भाई अपने पास। अगर मुझे मास निकालना है तो मैं ये देखता हूं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 14, तो मैं लिखूंगा 14 और अपना जो ओरिजिनल तरीका है उसको फॉलो करूंगा। अगर मुझसे कोई कभी भी पूछेगा मास C14 का, मास O16 का, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी तो एक्चुअल एटॉमिक मास ही है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी तो एक्चुअल एटॉमिक मास ही है, बस लिखा हुआ अलग तरीके से है। तो अगर मुझे पता है कि ये लिखाता कैसे, अगर C14 बोला है तो 14 × 1.66 × 10⁻², मैं तो इसी को यूज करूंगा क्योंकि ये इससे एक्चुअल एटॉमिक मास आता है जो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां जो लिखा है वो क्या है, एक्चुअल एटॉमिक मास है जो कभी चेंज नहीं होना है, कभी चेंज नहीं होना है। तो मैंने लिख दिया 14 इंटू इतना, और ये 14 इस 14 से कैंसिल आउट हो गया। तो फिर से मुझको क्या मिल गया, फिर से मुझको क्या मिल गया, जो नया यू है वो भी वही है जो पुराना था, जो नया यू है इज सेम एज द ओल्ड वन। पता चला, जो नया यू है इट इज एज सेम एज द ओल्ड वन। तो अगर नया एटॉमिक मास यूनिट पुराने वाले एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है तो कुछ चेंज होगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। शायद आप समझ गए कि कैसे फंसाया गया आपको। और सोचो ये मोल कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, माइक्रो मिनी टॉपिक, लेकिन उसके बावजूद कितना खतरनाक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पूरी तरह से वैल्यूज को निकाला। पता है क्या, देखो अभी आप एक दो बंदे लिख रहे हैं ना, जैसे कि फर्स्ट मार्शल ने लिखा कि सर समझाओ। मेरे दोस्त, आप जब टॉपिक, या तो टॉपिक आपने स्टार्टिंग से कैच नहीं किया, आए थे लेट से, या फिर आपने शुरू में सोच लिया मोल है ना, शुरू में क्या ही है, शुरू में तो सर बताएंगे मोल, एटम, मॉलिक्यूल, भैया ये स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है मेरे दोस्त, हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएंगे जहां से आपको फंसाएंगे, वही डिस्कशन ही करेंगे। और देखो ऐसे फंस गए आप, सारे आंसर सही थे। शुभम बोला था तो बहुत अच्छा किया था मेरे दोस्त, है ना। चलो एक एक एक, एक फटाफट क्विक रिवीजन हो रहा है, सारे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा चैट में, मैं तो बस फटाफट फटाफट आगे बढ़ूंगा, ठीक है, फटाफट आगे। अरे यार क्या चल रहा है, आओ ना, मैं बस फटाफट ना एक बार चुटकी में रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन आगे रिवीजन कराऊंगा नहीं दोस्तों, आपको वीडियो रिवाइंड करके देखनी होगी, हमारे पास टाइम बहुत बहुत कम होता है, बैक टू बैक फिर आगे भी सेशंस हैं लाइव प्लेटफॉर्म पर, तो इसीलिए फटाफट करके निकलेंगे, आ जाओ। मैंने क्या बोला, देखो क्वेश्चन था कि क्या क्या, कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर के इफ रिलेटिव एटॉमिक मास चेंजेस, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास चेंजेस देन यू चेंजेस, बट एक्चुअल एटॉमिक मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये तो हमेशा होगा, ठीक है। और अगर रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज कर रहा है तो यू चेंज करेगा, या वैसा वैसा, वैसा का मतलब क्या होता है, वैसा का वैसा देसी लैंग्वेज में, वैसा का मतलब कि ये चेंज करो वो चेंज करो, लेकिन ये चेंज होगा तो वो चेंज होगा, वो चेंज होगा तो ये चेंज होगा, रेसिप्रोकल, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये अगर बढ़ेगा तो वो घट जाएगा, इसे कुछ नहीं होगा, ये आराम से ऐसे देखेगा, ठीक है तुम लोग ये कर लो पहले। तो ये भाई साहब ने मुंह देखते रहते हैं कि अच्छा तुम कम हो रहे हो तो वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, वो कम हो रहा है तो ये बढ़ जाएगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
समझे? तो जब जब ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। अब आपको अगर ये बोल दिया जाए कि यू इज कॉन्स्टेंट, जरा सोचो तो यू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? जो नया वाला यू है वही पुराना वाला यू, उसका मतलब क्या? ये वैल्यू, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर नया यू और पुराना यू सेम है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, फिर ये भी चेंज नहीं कर रहा है, तो उसकी औकात है क्या चेंज होने की? कभी चेंज नहीं हो सकता वो। अगर ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट, तो वो बेचारे की मजबूरी है, उसे भी कॉन्स्टेंट रहना है, वो चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो मैथमेटिक्स गलत हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। समझ गए ना? यस। तो अभी हमने यही बताया था आपको, जरा देखो, जो ओरिजिनल जो ओल्ड होता है यू वो ये है, और जो नया यू है वो डेफिनेशन से हम चले, और डेफिनेशन ने क्या बोला था? हमने तो बस डेफिनेशन का काम कर लिया भाई। डेफिनेशन ने बोला था ये कर देना, 1/14 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C14, ठीक है? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C14, ये भी तरीका, क्योंकि ये एक्चुअल एटमिक मास ही होता है तो ये कभी बदलेगा नहीं, तो मैंने इसको लिख दिया 14 × 1.66 × 10^-24। जब एक बार आप सीख गए ये निकालना तो ये कभी चेंज नहीं होगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए वही आ गया। तो बस आपको इतना चेक करना होता है कि यू बदला या नहीं बदला, ठीक है? आओ आप इसको एक और क्वेश्चन से चेक करो। मैं यहां पर एक पेज ऐड कर देता हूं और ऐड करके आपसे पूछ लेता हूं कि ये आपने, यार यहां पर पेज ऐड करने का होता तो होगा ना डायरेक्ट, मैं जो है वो बार बार भुलक्कड़ू कहीं का, मैं भूल जाता हूं, इतना भुलक्कड़ू हूं ना मैं। तो दो क्वेश्चन देते हैं, उससे चेक हो जाएगा आपका कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना आप मिस कर रहे हो या फिर कितना आप सीख गए हो। आ जाओ फटाफट कर दो। ये देखो हमने चेंज किया, क्वेश्चन डाला, आइयो क्वेश्चन, आइयो क्वेश्चन जी, क्वेश्चन भैया आइए आइए आइए। ये देखिए, न्यू यू इज डिफाइंड एज यू इज इक्वल टू 1/10 इंटू मास ऑफ B12, देन which of the following changes? फटाफट बताओ तो जरा क्या क्या चेंज होगा। पहला ऑप्शन यू चेंज होगा क्या? एन ए चेंज होगा क्या? रिलेटिव एटमिक मास ऑफ C12, एक्चुअल एटमिक मास ऑफ C14, पांचवा रिलेटिव एटमिक मास ऑफ बी, कौन सा है वहां पर 12, सिक्स रिलेटिव एटमिक मास ऑफ ओ 16। चलो फटाफट बताओ, कोई नाम नहीं, आप जानते हो हैं? अरे ये अलग अलग है भाई, क्या कर रहे हो? नथिंग, नो चेंजेस, क्या कर रहे हो? कर रहे हो बदमाशिया, ध्यान से देखो, गड़बड़ कर रहे हो ना, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। अभी क्या सिखाया था? अभी ये KFC बताई थी तुम्हें, या बैग जाते हैं यार, अभी बताया था आपको। देखो इन दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन है ना, तो यहां पर KFC नोट करो, अगर U बढ़ेगा तो रिलेटिव एटमिक मास जो है वो कम हो जाएगा, है ना, या फिर अगर U कम हुआ तो रिलेटिव एटमिक मास बढ़ जाएगा। तो क्या U चेंज नहीं हो रहा? क्या बिल्कुल चेंज हो रहा? अगर यहां का नंबर और यहां का नंबर डिफरेंट है तो U इज चेंजिंग। देखो नंबर देखो ना आप, वहां पर चेंजेस हो रहे हैं। U इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाई, पूरे का मास नंबर, मास लिखो तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 × 10^-24। क्या दिख रहा है आपको जरा देखो तो, क्या दिख रहा है? ये ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, दिस इज यू ओल्ड, ठीक है? तो नया यू जो है वो 1.2 टाइम्स है पुराने वाले से, जो पुराना वाला है उससे नया वाला यू कितना टाइम्स है जरा देखो, 1.2 टाइम्स है, तो बढ़ गया ना, तो दैट मींस के यू इज इंक्रीजिंग। अगर यू इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव एटमिक मास, सारे स्पेशीज के रिलेटिव एटमिक मास कम हो जाएंगे। तो यू चेंज कर गया, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? बिल्कुल एन ए चेंज करेगा, कभी नहीं, एवोगैड्रो नंबर को कभी चेंज नहीं करा सकते, एवोगैड्रो नंबर फिक्स्ड है। देखो मैंने तो ये बोला था कि एन ए इज इक्वल टू, देखना यहां पर आप में से कुछ लोग इसीलिए गड़बड़ करेंगे, एन ए का मतलब होता है 1/U ओल्ड, ओल्ड वाला यू कभी चेंज नहीं होगा, एन ए का मतलब है 1/U। अब एन ए तो कभी चेंज नहीं हो सकता ना, एन ए कॉन्स्टेंट है, तो एन ए के साथ गड़बड़ मत कर दो, एन ए इक्वल टू 1/U ओल्ड होता है हमेशा, चाहे नया वाला यू कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैंने पहले लिखा था तो वहां पर ओल्ड और न्यू का डिस्कशन नहीं हो रहा था, तो मैंने सिर्फ यू लिख दिया था, आप लगता है उसी से फंस गए हो फंसना मत। तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा,
ये नहीं चेंज होगा क्योंकि एक्चुअल एटमिक मास है, रिलेटिव एटमिक मास बिल्कुल चेंज होगा, रिलेटिव एटमिक मास बिल्कुल चेंज होगा। सो करेक्ट आंसर इज 1, 3, 5 and 6। कितने लोगों का सही है जरा जल्दी जल्दी बताओ, सही है? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत अच्छे। सो एक और बना दो यार फटाफट, ये बनाओ, नया यू ऐसे लिखा गया है, 1/16 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ C12। सब बताओ क्या होगा, करेक्ट क्या क्या है? ऑप्शन ए, रिलेटिव एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस, एक्चुअल एटमिक मास ऑफ O16 डिक्रीजेस, सी एक्चुअल एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 15 डिक्रीजेस, एंड डी रिलेटिव एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यू बढ़ते हुए या घटते हुए, ये बताओ कैसे दिखाई दे रहा है, यू बढ़ते हुए या घटते हुए? साफ दिख रहा है यहां पर वैल्यूज बड़ी है और यहां पर वैल्यू छोटी है, इसका मतलब है यू की वैल्यू क्या होने वाली, डिक्रीज करने वाली। तो सारे रिलेटिव एटमिक मास क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना, सही है, कैच कर लिया आपने। तो रिलेटिव एटमिक मास जो है ना वो बढ़ने वाला है, अगर बढ़ने वाला है तो सिर्फ वही ऑप्शन चूज करेंगे जहां पर वैल्यू बढ़ने वाली है। इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था ना, यू की वैल्यू बढ़ गई थी, यू इंक्रीज कर गया था तो रिलेटिव एटमिक मास कम हो गया था, लेकिन अभी क्या है, यू की वैल्यू कम हो गई, पहले बढ़ गई थी तो रिलेटिव एटमिक मास कम हो गया, इस बार वैल्यू कम हो गई है तो रिलेटिव एटमिक मास बढ़ जाएगा। बट यहां तो डिक्रीज लिखा हुआ, ऑप्शन गलत, एक्चुअल एटमिक मास वाले तो आंसर ही नहीं होंगे, एक्चुअल एटमिक मास वाले को साइड कर दो, बचा कौन, रिलेटिव एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस, बस यही एक आंसर है, करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ डी होगा। अब लोग समझ गए कि अच्छा कहानी ऐसे चलती है, टॉपिक खत्म। बट एक आपको करना है क्या, महा बड़े इनाम वाला 101 रुपए वाला करना है, 101 रुपए वाला करोगे, है हिम्मत, करोगे, है हिम्मत, करोगे क्या, है हिम्मत, अरे करोगे क्या, है हिम्मत, है हिम्मत तो करो, है हिम्मत तो करके दिखाओ, है हिम्मत, है हिम्मत तो करके दिखाओ जी, है हिम्मत तो करके दिखाओ ना, अयो छुई मुई बेइज्जती, सुनिएगा ध्यान से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यू आर देयर इन 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पूछा जा रहा है यू के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, यू के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में, 101 रुपए के लिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट ट्राई कीजिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यू आर देयर इन 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10, 10, 10, 10 और 1000, यही आंसर्स दिख रहे हैं, 10 और 1000, 10 और 1000, 10 और 1000, ऐसा सच्ची, सच में, आइए चेक करते हैं, आपने इतने आंसर्स दे ही दिए तो, पहले एक बात बताओ मुझको, 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, क्या 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसा लिख दूं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है ये, फटाफट ये बताओ ये लाइन सही है या गलत है। वैसे ही दूसरी लाइन लिखा है मैंने, 1 mole ऑफ प्रोटॉन्स यानी H+ इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, करेक्ट है, फिर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 mole ऑफ HCl इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ HCl, करेक्ट है, तीनों सही है, तीनों सही है, हाँ ओके ओके भाई आपने लिखा है ऐसा, तब तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूं दोस्तों, आप जरा बताओ मुझको, 1 mole ऑफ यू, 1 mole ऑफ यू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ यू,
सही है लिखना ऐसा। अब इसी से कहानी बन जाएगी हमारी, है ना। चलो देखते हैं। तो यू के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में? 1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सही है ये, 1000 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट ना। इससे कोई मोल्स बता सकता है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आप क्या जानते हो पहले से? क्या आप जानते हो गिवन मास बाई मोलर मास होता है? ये तरीका आप जानते हो, गिवन मास बाई मोलर मास मोल्स निकालने का ये तरीका है? पता, जब भी मास आपको दिया रहे उसको डिवाइड कर दो 1 मोल के मास से। तो कैल्शियम कार्बोनेट में हर एटम का अगर आप मास, एटॉमिक मास ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अगर मैंने कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 3 ऑक्सीजन के लिए 3 × 16 ऐड किया तो ओवरऑल वैल्यू 100 आ जाएगी। बट मैं अगर पूछूंगा यहां पर यूनिट क्या है तो आप बोलोगे यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। तो जस्ट लाइक एटॉमिक मास ना, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जस्ट लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कभी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि हमने हर जगह जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता था उसे ऐड किया है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, दैट मींस कि मॉलिक्यूलर मास का भी कोई यूनिट नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं पूछता मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर मैं पूछूं आपसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मीनिंग क्या होता है? मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देख रहे हो, ये मीनिंग होगा ना। क्योंकि अभी तो आप ऐसा ही बता रहे थे मुझको कि सर अगर ऐसा करेंगे, अगर ना हम जब कभी भी किसी स्पीशीज के मोल के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर का बात करते हैं। सही है, बिल्कुल, जब कभी भी किसी स्पीशीज के मोल की बातचीत होगी तो एवोगैड्रो नंबर की बातचीत होगी। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, लिख दिया हमने, कर दिया हमने, तो वैसे ही तो यहां भी करेंगे ना। मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब Na मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट। और जरा ध्यान से देखना, Na मल्टीप्लाइड बाय 1 कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100। सही। अब एक बात बताओ, ये जब कभी भी आप काम करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो मैंने बोला कोई यूनिट नहीं होती है। कोई यूनिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास होता है और वो निकाला किससे जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास से। रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्चुअल एटॉमिक मास में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? याद कर लो, एक्चुअल एटॉमिक मास निकालना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं? यू करते हैं ना। तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूलर मास को चेंज करना होता एक्चुअल मास में तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करता? यू से। दैट मींस कि अभी एक्चुअल मास निकालना है तो मैं यू से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्चुअल मास निकालना है तो यू से मल्टीप्लाई कर दूं। अब जबकि आपने एक्चुअल मास से एक्चुअल मास निकाल लिया, निकालने गए और यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस Na और यू को देखो, Na एंड यू मल्टीप्लाइड बाई 100। Na इंटू यू हमेशा 1 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। ये समझ में आया? देखिए फिर से एक बार बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल एटॉमिक मास इक्वल टू होता है रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय यू, ये होता है, पता है। इसी से आप किसी भी स्पेशीज का ना एटॉमिक मास एक्चुअल निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअल एटॉमिक मास निकाल सकते हैं तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। तो मुझे चाहिए था कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, तो पहले मैंने निकाला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वो निकलेगा कैसे? हर एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास ऐड करेंगे, 40 कैल्शियम का, 12 कार्बन का और 16 × 3 किसका? ऑक्सीजन का। तो ये हो गया 100, डन। ये 100 है भाई, ये 100 हो गया। लेकिन 100 क्या कोई यूनिट है? आंसर है कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव मास है, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसका एक्चुअल मास चाहिए था, तो एक्चुअल मास के लिए मैं क्या करूंगा बताओ? वो जो वैल्यू लिखी हुई है उसको 100 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? यू से। ये एक्चुअल मास हो गया। अब मुझे चाहिए मोलर मास, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिखा? ऐसे सब सारे स्पीशीज का निकालना, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, सबका।
अगर एक मोल की मास की बात की है तो पहले अच्छे से ढंग से लिख लो मास ऑफ वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब आपने ऐसा लिख दिया उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट मीन्स के मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डन, लिख दिया ऐसा। इसके बाद क्या हो गया मेरे दोस्तों, ऐसा हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर उठाया, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट उठाओ और उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, उसके मास को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो एन ए मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन सी ए सी ओ थ्री, ऊपर कितना था 100U। अब यहां पर मैंने Na into U, आपको पहले ही बताया था कि Na is 1 by U, है ना, ये ग्राम में पता है आपको, तो Na into U जब जब करेंगे Na into U से हमें कितना ग्राम मिल जाएगा, 1 ग्राम, तो Na और U दोनों साथ साथ है, Na into U 1 ग्राम हो गया, तो 100 साथ में था, 100 ग्राम बन गया एक मोल का मास। अब हमारे लिए एक शॉर्टकट आ गया, देखो क्या शॉर्टकट आ गया, ये शॉर्टकट आ गया भाई केएफसी, ध्यान से, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का या एटम का मॉलिक्यूलर मास या एटमिक मास पता है, अब सपोज दैट मॉलिक्यूलर मास था 100, तो किसी ने जैसे ही पूछा मोलर मास यानी एक मोल का मास, तो कुछ नहीं करना, पहले मॉलिक्यूलर मास में कोई यूनिट नहीं होती थी, मोलर मास में बस एक यूनिट लग जाएगी 100 ग्राम, देखा उसका पूरा डेरिवेशन था। और ये डेरिवेशन मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ इनामी प्रतियोगिता वाला क्वेश्चन, उसमें इसका यूज होने वाला है, तभी क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी, तभी मैंने वहां पे इनाम रखा था कि देखते हैं कौन क्या क्या सोचता है। अब मुझे साथ साथ समझाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताना था, तो मैंने और भी बातें बताई इसमें साथ साथ, बट अब देखते हैं क्वेश्चन को चल करके कि क्वेश्चन में क्या क्या बातें थी। पहले ये बातें क्लियर हो गई ना, इस बात यहां पर मैंने एक्चुअली समझाया कि जब आपको एक मोल के मास की बात करनी होती है तो वो आप कैसे करते हो, उसी का शॉर्टकट बताया कि आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो मोलर मास बता दो फटाफट यूनिट चेंज करके। सपोज दैट मैंने आपको ना सोडियम दिया और आपसे पूछा कि सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 विदाउट यूनिट, लेकिन इसका एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होगा जरा बताना, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो एक्चुअल एटॉमिक मास कितना होगा 23 मल्टीप्लाइड बाई यू, करेक्ट है एक्चुअल एटॉमिक मास। अब मुझे मोलर मास बताओ, अब मुझे मोलर मास बताओ, कुछ नहीं, इसी को Na से मल्टीप्लाई करेंगे 23U into Na, that means 23 ग्राम बन गया, इतना आसान होता है, this is the shortcut, इसी का derivation था वहाँ पर। अब मैग्नीशियम पर आ जाओ, this is 24, तो ये 24U बन जाएगा, और फिर ये कितना बन जाएगा 24U multiplied by Na, that means 24 ग्राम, तो आपको बस यूनिट को, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगती है, एक एटम का मास एक्चुअल दिखाओगे तो यू लग जाएगा, लेकिन अगर मोलर दिखाओगे तो अपने आप यू हटा करके ग्राम लगाना है, क्योंकि मोलर बोलने का मतलब एवोगैड्रो आएगा और एवोगैड्रो और यू मल्टीप्लाई होकर के 1 ग्राम बन जाएंगे, कितना स्वीट एंड सिंपल है। अब वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट था, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100 होता है उसका मॉलिकुलर मास, और ये हो जाएगा 100U, और यहां आएगा तो वो 100 ग्राम बन जाएगा, देखा। वैसे ही HNO3 पर जाओ, HNO3 के लिए वैल्यू कितनी होती है, HNO3 के लिए वैल्यू 63, जब आप सबके एटम्स सारे एटम्स का मास ऐड अप करोगे 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 × 3 = 48, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 63, ये बन जाएगा 63U, तो ये कितना बनेगा 63 ग्राम, ठीक है। यो ऐसे चलना है, CO2 अगर रहेगा तो CO2 का 44 है, मतलब ये 44U है और ये क्या है 44 ग्राम है, ओके। ये बात इस तरह से मोलर मास को निकालते हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है, हमें जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ यू, जरा देखिए तो कहां गया, कितने गया क्वेश्चन, ये हाउ मेनी मोल्स ऑफ यू आर देयर इन 1 kg ऑफ CaCO3। तो ये ना एक्चुअली थोड़ा सा प्रो क्वेश्चन था, थोड़ा प्रो लेवल पर था, तभी इनाम थोड़ा ऊपर रखा था, क्योंकि अभी ज्यादा हमने काम किया नहीं था और मैंने क्वेश्चन दे दिया था जोश के मारे, कि जरा देखते हैं जोश में आप होश खोते हो या फिर बना डालते हो। तो मेरे दोस्तों यहां देखो ध्यान से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यू पूछा गया है, मोल्स ऑफ यू ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और गिवन क्या है, ये आदत कितने लोगों की है जरा जेन्युइनली बताना मुझको, कितने लोग सच में ऐसा काम करते हैं कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं और जो क्वेश्चन ने पूछा है वो भी लिख लेते हैं, फिर आराम से दिखते रहता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या ढूंढना है, ये बहुत अच्छी आदत होती है, कितने लोग करते हैं जेन्युइनली बताना अभी मुझको।
मोल्स ऑफ यू पूछा था और गिवन क्या था, 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सच्ची करते हो? नलिन, दिव्यांशु, रिया, दीपिका, अरुषि, अनिता, मोहित, शिवम, सच्ची, लव यू, मेरे दिल के टुकड़ो, क्या बात है। 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये गिवन है। इससे हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं, कितने मोल्स हैं। हमने अभी देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल दिया जाएगा तो उसके 1 मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास, और मोलर मास की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, 100 ग्राम आई थी ना, ठीक है। तो हमें पता है कि यहां पर 1000 ग्राम है, तो वेट कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम, और कितना 1 मोल का मास कितना होता है, 100। अगर 100 का मतलब होता है, जरा सोच करके देखो, ये यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला निकला हुआ है, 100 ग्राम मीन्स 1 मोल, तो 1000 ग्राम मीन्स पूरे मोल कॉन्सेप्ट में। आपको पता है स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में ना कोई दिव्य शक्ति चाहिए कैलकुलेशन के लिए। पहला बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आपको कोई दिव्य शक्ति नहीं चाहिए, आप एकदम जीरो स्टूडेंट रहो, जीरो से नेगेटिव रहो, कुछ नहीं आता है, बट बस एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, बेशर्मी। बेशर्मी का मतलब कि बिल्कुल शर्म नहीं आती, गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट पागलपन कि नहीं मुझे करते करते अच्छा कैलकुलेशन कर लेना है, तो वो पागलपन, वो बेशर्मी चाहिए कि बस किए जा रहे गलत कैलकुलेशन, लेकिन कोशिश कर रहे सुधार करने की, किए जा रहे बस, ज्यादा समय दूर नहीं, आपका भी कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा, तो डरो मत। और यूनिटरी ही कैलकुलेशन पर सब कुछ है, यूनिटरी कैलकुलेशन पर सब कुछ है, यूनिटरी मेथड पर। 100 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 1000 ग्राम का मतलब कितना होगा, 10 मोल होगा। इसी से फॉर्मूला निकाल दिया गया, जो गिवन है और जो होता है उसको डिवाइड कर दो, ये गिवन है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बस हो गया। गिवन मास को डिवाइड करो मोलर मास से, ये फॉर्मूला ही होता है मोल निकालने का। तो कितने मोल आ रहे हैं बताओ, 10 मोल्स। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने दिए गए, 10, लेकिन पूछा तो मोल से यू का, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स है। अब भाई यू के मोल्स कैसे निकाले, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकले, यू के मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, यू के मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, कोई रास्ता है? तो यू के मोल्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए अभी जो हमने डिस्कशन किया था वो काम आएगा। जरा देखिए, 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसे पहले हम आराम से ऐसे ब्रेक कर लेंगे। देखिए तो 1000 × 1 ग्राम, सही है। और अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1000 × 1 ग्राम को ब्रेक कर लीजिए, Na इंटू यू, दिखाई दिया। अब उस 1000 के साथ U को रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई Na कीजिए। देखा, अगर मैं यहां पे X लिखता और Na लिखता तो आप क्या बोलते, X मोल्स लिखते ना। अगर सपोज दैट मैं 1000 U नहीं लिखता, अगर मैं ऐसे लिखता इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई Na, इसका क्या मतलब होता बताओ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ना, जरा बताओ मुझको, यही होता ना, 1000 U है। इसी बात को जरा सा ऐसे घुमा करके और लिखो, और क्लैरिटी आ जाएगी और बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा आंसर क्या लेना है भाई, आंसर क्या लेना है वो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हमें तो मोल पूछा गया है ना, तो हम 1000 Na, 1000 Na का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 मोल, वो तो मैं लिख रहा हूं वैसे करके कि सेपरेट, बट एक्चुअली आंसर निकालने के लिए तो ऐसे लिखना है, 1000 Na मल्टीप्लाइड बाई U, हट जा, ठीक है। तो 1000 Na क्या होता है, 1000 मोल्स, और ये क्या हो जाएगा, U, तो करेक्ट आंसर इज 1000। कितने लोगों का आंसर 1000 था, इजी पीजी वालों जल्दी जल्दी बताओ। तो ऐसा लिखते हैं या फिर Na इंटू इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर यहां पे 10 Na लिखते हैं तो ये 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता। अगर हमने ऐसा लिखा होता 100 Na मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस, तो मतलब क्या होता, 100 मोल्स ऑफ प्रोटॉन हो जाता, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए सारे लोग, कितने लोगों का सही है, सच्चाई में बताओ, जल्दी बताओ। तो इस पे एक और क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां पर बनाइए, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ यू आर देयर इन 63 mg ऑफ HNO3, फटाफट बताओ।
करेक्ट आंसर, जो सही बताएगा अभी आप इनाम तो नहीं देंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, बट शाउट आउट और प्यार देंगे आपको ढेर सारा। और जो भी सही बताएगा उसे कल अलग से टेलीग्राम पर 5 मिनट आप मुझसे एकदम स्पेशली अच्छे से बातें कर सकते हो, इनाम है आपका, आपके लिए स्पेशल टाइम निकालेंगे। आज के टाइम में दोस्त मेरे पास अगर कुछ सबसे कीमती है तो वो टाइम है आपके लिए। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी बताओ मुझको। 63 सिंपली ब्यूटीफुल ने लिखा है, 63 MU 1/100 मोल। आइए चेक कर लेते हैं, आंसर्स मिलने लगे हैं। इसी पैटर्न से निकाला ना आपने, फटाफट पहले ये चेक करो, यहां पर 63 मिलीग्राम है तो मोल्स तो बताओ मुझको पहले, मोल्स ऑफ HNO3 कितने? मिलीग्राम का मतलब होता है 63 × 10⁻³, ठीक है, और डिवाइडेड बाई HNO3 का अपना मोलर मास कितना होता है? 63 है ना, मिलीग्राम बटा 63 ग्राम होता है HNO3 का, तो मोल्स जो HNO3 के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 10⁻³, 10⁻³ मोल्स आ रहे हैं। अगर 10⁻³ मोल्स आ गए तो इससे तो हिसाब किताब हम फटाफट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं दिक्कत होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। या जरा देखिए, अगर लिखा आ 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 हंड्रेड कितना आया था? 10⁻³ मिलीग्राम, सॉरी फॉर दैट, 10⁻³ मोल्स आ गए थे। ये मोल्स हमने कैसे निकाले थे? तो 63 × 10⁻³ मिलीग्राम था, उसको डिवाइड किया, उसके मोलर मास से वैल्यू आ गई 10⁻³, ये हो गए मोल्स। तो वी हैव टू राइट कि HNO3 जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? 10⁻³ मोल्स दिए गए हैं, है ना, HNO3 के। क्या यहां से बात नहीं बन जाएगी? अब बोलेंगे सर ये वाला क्यों निकाला है, हमें तो यू अलग तरीके से निकालना था। चलिए, मोल्स निकाल के कोई फायदा नहीं हुआ, कैसी बातें कर रहे हैं, इससे भी फायदा हुआ, बट अगर आप अपने ही तरीके से चलना चाहते हैं, चलिए चले पूछते हैं आपसे, क्या करोगे आप? ये तो मिलीग्राम है, सॉरी 63 कितना दिया था मिलीग्राम में, बार बार ना बुढ़ापे का शिकार हो रहा हूं। 63 मिलीग्राम, 63 × 10⁻³ लिखना है ना बदमाशों, नजर लगा रहे हो ना, नजर लगा रहे हो बदमाशों, अब समझ रहा हूं मैं, 63 मिलीग्राम बदमाश के, 63 × 10⁻³ ग्राम ऐसे लिखेंगे ना, क्या कर रहे हो? मुझे जानना है कि मोल के थ्रू अगर कोई स्टूडेंट बनाना चाहता तो वो कैसे बनाता, ये तो आप समझ गया मैं, आपने बस मेरा तरीका कॉपी कर लिया। वैसे आपने कसम खाया हुआ कि आप मेरे जैसा कैलकुलेशन करोगे, तो क्या ही बोलूं मैं, है ना, हो गया कहानी खत्म। 63 और ये मिली है और ये मोल है, 63 मिली मोल ऑफ यू, करेक्ट आंसर इज 63 मिली मोल ऑफ यू, 0.063 मोल, ठीक है ये भी चलेगा, 0.063 मोल्स ऑफ यू, करेक्ट। अगर कोई बोलता है यहां से निकाल सकते, कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं, इस मेथड से। अगर कोई ऐसे चल रहा होता, ये तो हो गया स्वीट एंड सिंपल मेथड जो आपके दोस्त ने अभी जस्ट बताया था इससे पहले, लेकिन अगर इससे बनाना होता तब क्या करते, इससे बनाना होता तो ये काम करते। देखो हमें पता है कि 1 मोल HNO3 ये कितना ग्राम होता है? 63 ग्राम होता है, 63 ग्राम का मतलब 63 Na मल्टीप्लाइड बाई यू, तो कितने मोल्स ऑफ यू? 63 मोल्स ऑफ यू, है ना। अगर HNO3 का एक मोल होता, HNO3 के एक मोल के अंदर 63 मोल्स ऑफ यू है, 63 मोल्स ऑफ यू है ना, तो अगर मैं ये मोल उठा लूंगा तो यहां वैल्यू में जब HNO3 का एक मोल होता तो U के कितने मोल्स होते हैं? 63, तो अगर HNO3 के 10⁻³ मोल्स होंगे तो यहां भी तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि मोल जो है वो मिली मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 63 मिली मोल ऑफ यू यहां से भी तो आंसर आ रहे हैं। अब
अगर सपोज दैट मैं यहीं पर, अरे यार हमेशा एक पेज और चाहिए होता है, अरे प्लीज कोई टेक्नोलॉजी दे दो, यहां पे ऐसे बोलेंगे एक पेज ऐड कर, जार्विस एक पेज ऐड कर। यस सर आई एम एडिंग वन मोर पेज। भाई उज्जवल यार एक पेज ऐड करने का कोई रास्ता निकाल दे यार। अरे यार ये जार्विस के नाम पे क्या हो गया यार। ठीक है तुम लोग दांत निकाल रहे हो ना बेशर्मो, सब समझ रहा हूँ। टीचर जब भी परेशान होता है तो हंसते हो तुम लोग पापी लोग। ओके सो कोई मुझे बताएगा अगर ऐसा कुछ किया जाए सामने सामने, ऐसा कुछ किया जाए, जरा देखिएगा मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल है CO2, मोल्स दिए गए हैं 10, मॉलिक्यूल है CH4, मॉलिक्यूल है O2, मॉलिक्यूल है H2 और मॉलिक्यूल है H2SO4 और मॉलिक्यूल है कोई बहुत बड़ा सा H3PO4 कुछ खास बड़ा नहीं, लेकिन CO2 के 10 मोल्स है, इसके 1 मोल है, इसके 5 मोल है, इसके 6 मोल्स है, इसके 7 मोल है और इसके 100 मोल्स है। ठीक है आपको बताना है मोल्स ऑफ यू कितने। तो जितना भी आपसे जो सीखा था, देखो मोल्स ऑफ यू निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत टेक्निकली बहुत सारी चीज थी, आपको बिल्कुल हर बारीकी से हर बात सिखाई और फाइनली रियलाइज कराया कि जब आप अच्छी अच्छी बातें सीख गए हो तो मोल्स ऑफ यू निकालना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मोलर मास का आइडिया कुछ होना चाहिए, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने CO2 के 10 मोल्स दिए तो यू के कितने मोल्स होंगे, निकालने का तरीका क्या है, जरा देखना। अभी आपको सिखाया HNO3 दिया है ना, HNO3 के 1 मोल में कितने होते हैं यू के मोल्स, 63। नहीं सीख पाए हो सीखो ध्यान से, ये लिख रहा हूं पिछले पेज पे जो किया था, 1 मोल का मास कितना होता है इसके, 63 ग्राम। 63 ग्राम का मतलब होता है 63 Na मल्टीप्लाइड बाई यू, इसका मतलब 63 मोल्स ऑफ यू। देखा जब कभी भी आप किसी स्पेशीज का मोलर मास बोलते हो, जैसे ही आपने बोला 63 ग्राम मोलर मास है HNO3 का, उस ग्राम का मतलब ही होता है 63 मोल्स ऑफ यू हो गया, तो 63 ग्राम दैट मीन 63 मोल्स ऑफ यू। अब जरा बताओ CO2 का मोलर मास कितना होता है, CO2 के हर एटम का मास ऐड करोगे तो 44 आएगा इसका मॉलिकुलर मास, और अगर आप इसका यूनिट लगाओगे, अगर एक्चुअल एटमिक मास लिखोगे तो 44 U, अगर आप इसका मोलर मास लिखोगे तो 44 ग्राम। ठीक है तो 44 ग्राम, एक मोल में CO2 के एक मोल में 44 ग्राम होता है मास, एक मोल मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम मतलब के एक मोल के अंदर कितने यू प्रेजेंट होंगे ये बताओ, एक मोल के अंदर कितने यू प्रेजेंट होंगे, जल्दी बताओ कितने यू प्रेजेंट होंगे, बस ये मोलर मास की वैल्यू उठाओ मल्टीप्लाई कर दो। 44 ग्राम मोलर मास था, ग्राम को यू के टर्म्स में चेंज करो, 44 Na ऑफ यू, सही है। बट एक मोल में 44 था, 10 मोल में कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बताओ, करेक्ट आंसर हो गया 440। कितने लोगों ने ये लाया बताओ, 440 Na, 440 Na का मतलब 440 मोल्स, मोल्स बोला हुआ था तो आंसर यहां पर सिर्फ और सिर्फ 440 आएगा। ठीक है देख लीजिए फाइनल आंसर यहां पे क्या लिखा जाएगा, 440, क्योंकि सही आंसर था 440 Na ऑफ यू। टोटल मास मतलब अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो मोल्स ऑफ यू बताने के लिए आपको जो टोटल मास है ना, जो टोटल मास आप लाओगे इन ग्राम, इसी टोटल मास, अगर मान लो कि टोटल मास आपका ये है, अगर टोटल मास हमने निकाला और उस टोटल मास की वैल्यू आई है 440 ग्राम, जरा देखना, तो टोटल मास की वैल्यू आई है 440 ग्राम, तो उसको आप कैसे लिखोगे, 440 Na × U, देख रहे हो, तो 440 मोल्स आंसर हो गए। टोटल मोल्स, टोटल मास निकाला, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई Na, तो ये टोटल मास जब निकालोगे ना, उसी टोटल मास का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मोल्स ऑफ यू का। ये अपना शॉर्टकट हो गया, इसे अब हम अपना शॉर्टकट बना करके KFC लिख लेते हैं। पहले हमने पूरा डेरिवेशन सीखा और अब शॉर्टकट बना लिया, तो हमें सारी बातें जीरो से लेकर के हीरो तक समझ में भी आ गई, और लेकिन साथ साथ क्या हुआ, हमें अब फॉर्मूला भी जान लेना है, क्योंकि बनाना भी तो फास्ट आना चाहिए चुटकी में। तो मोल्स ऑफ यू के लिए हम क्या करेंगे बताओ फटाफट, क्या लिखेंगे,
क्या शॉर्टकट है हमारा, क्या केएफसी है भाई? मोल्स ऑफ यू का मतलब हो गया जो टोटल मास का मैग्नीट्यूड है, टोटल मास का मैग्नीट्यूड। बस घुमा फिरा के टोटल मास का मैग्नीट्यूड निकालो, वही आंसर होता है। तो यहां पर एक मोल का मास होता है 440, 10 मोल का मास कितना हो जाएगा 440 ग्राम। और यहां आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख भी दूं एक टोटल मास का, टोटल मास का ना मैं बना दूं एक कॉलम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ यू कितने हो जाएंगे 440 हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट सही है। CH4 का एक मोल अगर लेंगे तो कितना मास आएगा 12 ग्राम आ जाएगा, सही है, करेक्ट। तो यहां पर एक मोल के लिए टोटल मास है 12 ग्राम, तो 12 मोल आंसर हो जाएंगे यू के। यहां आ जाओ O2 के लिए 32 ग्राम होता है एक मोल का, बट 5 के लिए कितना हो जाएगा 32 × 5 160 ग्राम, तो यहां पर कितने मोल्स आ जाएंगे 160। H2 के लिए 2 ग्राम, 6 मोल्स के लिए कितने हो जाएंगे 12 ग्राम, कितने मोल्स का डिस्कशन होगा यहां पर 12 का, 12 मोल्स ऑफ यू आ जाएंगे, डन है, सब हो रहे हैं ना। देखा पहले हमेशा ऐसे ही करना है, पहले मेहनत करके सारी चीजें सीख जानी है, डेरिवेशन सीख लिया, प्रोसेस सीख लिया, उसके बाद क्या करना है शॉर्टकट बना लेना अपना, तो सो दैट के प्रोसेस भी सारा पता है, अगर कभी प्रोसेस से क्वेश्चन आया तो नहीं फंसेंगे, जो जे एडवांस में किया जाता है पूरे डेरिवेशन, पूरे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, सब कुछ सारी चीजों से सारी बातों के डेप्थ में जा करके पूछते हैं, तो वो डेप्थ आनी चाहिए, फिर शॉर्टकट भी आना चाहिए कि फटाफट बन भी जाए, करेक्ट है ना। यस, गलत सही। CH4 में 16 होगा, अच्छा CH4 में गलत कर दिया क्या, ओह माय गॉड गलती हो गई, ओह माय गॉड, टीचर से गलती होती है तो कितना खुश होते हैं स्टूडेंट, भगवान इन स्टूडेंट्स का क्या करें हम, बहुत गुस्सा आता है इस स्टूडेंट्स को देख करके, भगवान उठा ले भगवान मेरे को, नहीं इन बदमाशों को जो काली नजर लगाते हैं, गलत हो जाता है, भगवान किसी को ना उठाए, ये सब कुछ मजाक में है। और मेरे दोस्तों बहुत सही किया, गलती पकड़वाई यार, उम्र 155 की हरकत बचपन की, अजीब है यार, गलत कैसे लिख सकते यार, गलत बातें बता दी यार आपको, सॉरी फॉर दैट माई बैड। वापस आइए, कोई बात नहीं, होते रहता है, उम्र 155 की हरकत बचपन की, चलते रहता है। टीचर से गलती हो जाए और स्टूडेंट ना मुस्कुराए, ओहो हो, ऐसा हो नहीं सकता, अरे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग हो जाए ये हो नहीं सकता, और टीचर की गलती पर स्टूडेंट ना मुस्कुराए ऐसा हो नहीं सकता, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग हो जाए ये हो नहीं सकता, और टीचर की गलती पर स्टूडेंट ना मुस्कुराए ऐसा हो नहीं सकता, लिख ली जाए ये दो लाइनें, अभी के अभी बनाई है, आपको पता है कि आपका दोस्त जो है वो ये लिखते रहता है। तो H2SO4 पर आते हैं, H2SO4 के एक मोल का मास होता है 98 ग्राम, है ना, अगर 7 मोल की बात करेंगे तो 98 × 7 करेंगे, किसी को 98 × 7 नहीं आता है मुझसे सीख लो कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं, बताऊं क्या, 100 × 7 करोगे तो 700 हो जाएगा, −2 − 2 7 टाइम्स करना है तो 14 माइनस करना है, 700 में से बस 14 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 686 आ जाएगा यार, कितना आसान है कैलकुलेशन, सीखो यार, 7 × 98 कितना आसान होता है यार, कितने लोग हैं जो ऐसे से कर रहे हैं, हद, ऐसे तो नहीं करते हो ना, मुझे पता है मैं थोड़ी नाटक कर रहा हूं, मैं 618 चलो ये थोड़ा सा बस आपको तंग कर रहा था, आप अगर करते भी हो तो कुछ भी बुरा नहीं है, बस डरो मत, मैंने बोला अगर कैलकुलेशन अच्छा, याद रखना हर अच्छे कैलकुलेशन वाले इंसान के लिए सीधी बात बोली जा सकती है क्लास में कि उसकी अच्छी रैंक आएगी, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन वगैरह अच्छी थी और वो पास नहीं किया हो, कभी नहीं हुआ, अच्छी कैलकुलेशन पहचान होती है अच्छी रैंक की, इसीलिए कैलकुलेशन से प्यार करो, जब तुम कैलकुलेशन से प्यार करोगे और फिर मुझे कॉपी करना, आपने कसम खाया है, चैट बॉक्स में दिख गया है, अब आप वापस नहीं जा सकते, बिना गीता पे हाथ रखे हुए आपने जो है कसम खा ली है, बच नहीं सकते, ठीक है वापस नहीं जा सकते, तो मेरे साथ साथ कैलकुलेशन सीखते रहना है, तो ये इतना तो आपको आता ही है, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था कि आपको नहीं आता, बट पता है ये आप कर लेते हो, है ना, तो 686 आएगा ना,
याद रखना कि कई सारे जगह पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कैलकुलेट करना, यहाँ पर अप्रोक्स करना है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो दोस्ती खत्म। तो 686 है, 686 ग्राम था तो 686 मोल हो गया। लास्ट में गया भैया देखो, इन दोनों का जो मोलर मास होता है सेम होता है, 98 98, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9800 आ जाएगा। इमा बहुत दे दिया मैंने, 9800 ग्राम, तो ये मोल्स कितने आ जाएंगे, 9800 मोल्स आ जाएंगे। ओके, सो आप सीख गए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ जा साथी मेरे, बढ़ने दे हमको, पीछे क्यों जा रहे हो यार। हा तो हो जाए कुछ, अप्रोक्सीमेशन वाले सारे सॉल्व हो जा रहे हैं। ओके, गुड 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 गुड, यो 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 यो, चलिए बढ़ रहे आगे। मोल्स, मोल के फॉर्मूले का डिस्कशन करते हैं। फॉर्मूले रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ मोल, रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मोल के कैलकुलेशन के फॉर्मूले। आप बताओ अपनी तरफ से कैसे निकालते हो मोल्स। अभी एक हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, कौन सा था वो फॉर्मूला, फटाफट बता दो दोस्तों। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने, एक फॉर्मूला अपने पास है, गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। और मोलर मास मैंने क्लैरिटी दे दी कि मोलर मास निकालते कैसे। मोलर मास बताइए तो जरा, CH4 का कितना आएगा मोलर मास, ढंग से बताइएगा, यूनिट के साथ बताइए। मोलर मास क्या आएगा CH4 का, पहले इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे 16 आएगा, एक्चुअल मास निकालेंगे 16U आएगा, लेकिन मोलर मास होगा 16 ग्राम। देख रहे, तीनों डिफरेंट है, ऑल थ्री आर डिफरेंट, समझ रहे हैं ना। दिस वन इज मॉलिकुलर मास, वो भी रिलेटिव, रिलेटिव मॉलिकुलर मास। अच्छा तो फिर ये क्या है, दिस इज एक्चुअल मॉलिकुलर मास, एक्चुअल मॉलिकुलर मास, एक्चुअल मॉलिकुलर मास। इसको भी हम ग्राम में लिख सकते हैं, सी ये भी ग्राम में लिख सकते हैं, लेकिन जो पावर आएगी वो 10^-24 आएगी, क्योंकि यू की वैल्यू क्या होती है, U मतलब ओरिजिनल यू, यू की वैल्यू क्या होती है 1.66 × 10^-24, दैट मींस कि यहां जो वैल्यू आएगी वो 10^-24 में आएगी। अब ग्राम है, यहां देख रहे हो ये ग्राम, तो दैट इज मोलर मास। आगे ना क्लैरिटी, सेम वही बात जो अभी पीछे कर रहे थे, फिर से एक बार रिवाइज करवाया, गड़बड़ मत करना। अब आ जाओ, ये मोल का फॉर्मूला है। अगर सपोज दैट मैं आपसे बोलता फाइंड मोल्स ऑफ सोडियम इन 46 मिलीग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, तो अभी तो हमने जस्ट पीछे कैलकुलेशन किया था ना, जस्ट पीछे कैलकुलेशन किया था। यूनिटरी मेथड से चल दो या इस फॉर्मूले से चल दो, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मैं यूनिटरी मेथड से भी जा सकता हूं, इस फॉर्मूले से भी जा सकता हूं। गिवन मास क्या है, अच्छे से ध्यान से ढंग से लिख लो, 46 × 10^-3, ठीक है, 46 × 10^-3 डिवाइडेड बाई 23, दैट मीन्स 2 × 10^-3, ये वैल्यू है, करेक्ट। फिर सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालने जा रहे हो तो गिवेन नंबर ऑफ स्पेशीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पेशीज, इस पर चलना होता है। गिवन नंबर ऑफ स्पेशीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पेशीज। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर स्पेशीज लिखते हैं, गिवन नंबर ऑफ स्पेशीज एंड मोल्स ऑफ स्पेशीज आप बताओगे। तो स्टार्ट किया हमने सल्फेट आयन से, सल्फेट आयन के गिवन नंबर्स हैं 3.011 × 10^23,
दैट वॉज सल्फेट, बट सल्फेट के साथ दूसरे किसी आयन को ही ले लेते हैं, NH4 प्लस को ले लिया हमने, और इसकी वैल्यू पाई हमने 3.011 इंटू 10^20। फिर एक और आयन है आयोडाइड आयन, कोई जरूरी नहीं आयन, बट मैंने इतनी देर से आयन लिया ही नहीं ना, तो अब मैं आयन ले ले रहा हूं, आयन का एग्जांपल लिया ही नहीं था, सो अब आयन ले ले रहा हूं। ओके, सो अभी यहां पर सारे के सारे आयन दिए, आपको कोई भी स्पेसिस दे सकते हैं, सी एच फोर दे सकते हैं, एन एच थ्री दे सकते हैं, या H2SO4 जो हमने लिया था, या हमने H3PO4 लिया था, सब कुछ दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको जो दिया है हमने वो अभी आयन, क्योंकि आयन पे बहुत देर से काम नहीं किया था हमने, सो आयन से भी फैमिलियर हो जाओ आप, इसीलिए दिया गया। ओके, आइए यहां पर वैल्यू दे दी गई है 6 × 10^24। अब मोल्स बताने हैं, पहले वाले का आंसर क्या आपका 0.5 आया क्या, सेकंड वाले का आंसर आपका 0.5 × 10^-3 आया होगा पक्का, जरा देखना दो आया क्या, और इस वाले का आपका वैल्यू जो है वो 10 के अराउंड आ जाएगा, करेक्ट है 0.5 0.5, एंड लास्ट वाले में कितना आया ये बताओ। अरे यार माला तो ज्यादा ही चिपक गई, लास्ट वाले में क्या आया, लास्ट वाले में क्या आया, 10 नहीं आया क्या, 100 आया है क्या, 100 आया क्या, हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर के लिए वैल्यू हम अक्सर ऐसे यूज करते हैं 6.022 या 6.023, कुछ भी 6.022, उसका हाफ करेंगे ये आ जाएगा, हाफ करके 10^3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, और ये तो साफ है 10 टाइम्स है, सही है ना, बिल्कुल सही है, तो मोल्स निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, लेकिन देखो खेल यहां शुरू होता है, अब यहां पर आता है ये गेम चेंजर। अभी जो आप सीख रहे थे ना, जो आपका जो बेस तैयार कराया मैंने कैलकुलेशन करा करके हाउ मेनी मोल्स ऑफ यू, वो जो यू का कैलकुलेशन था ना वो इतना इंटरेस्टिंग था कि वो अब फायदा पहुंचाएगा। अब जो गेम चेंजिंग बात है, गेम चेंजिंग बात क्या है कि सपोज दैट आपको ना गिवन क्वांटिटीज दी रहेंगी और आपको बताना होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिए जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ दिए जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ दिए जाएंगे किसी भी स्पेसिस के अंदर, और आप फंस जाओगे हड़बड़ा करके। हड़बड़ाना नहीं है, देखो पहले मैंने क्या दिया हुआ, पहले मैंने दिया है 16 मिलीग्राम ऑफ CH4, ये आपको दिया है, और इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स कितने, पहले आप आंसर निकालो, चलो पहले आंसर निकालो फिर चेक करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन गेम चेंजर होते हैं यहां पर ना, ये आपको आपने सीख लिया, अगर ये पोर्शन आप कर लेते हो, अगर गड़बड़ाओगे तो मैं हुई, तो जैसे ही आप यहां पर की बात सीखोगे ना, इसका मतलब है कि बेसिक्स जो है कैलकुलेशन के ना आ रहे हैं, बेसिक जो है कैलकुलेशन के आ रहे हैं, आपको बेसिक कैलकुलेशन के आ रहे हैं, ये गेम चेंजर पार्ट होता है। इसमें आपकी आपका पेशेंस चेक हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन चेक हो जाती है, आपका पीस ऑफ माइंड चेक हो जाता है, और आपका डर भी चेक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करो, मोल्स निकालने की आदत डाला करो, मोल्स निकालो, कितने मोल्स आ जाएंगे 16 × 10^-3 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है CH4 का 16, मोल्स कितने आ गए 10^-3 के, डन। अगर मोल्स आ गए 10^-3, अब ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल में वन मॉलिक्यूल कंटेन्स फोर एटम्स, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स फोर एटम्स, वन मोल मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेगा, अगर एक मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना गड़बड़ मत करना, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स फोर एटम्स, दैट मीन्स 1 × Na मीन्स वन मोल मॉलिक्यूल, वन Na करने का मतलब वन मोल मॉलिक्यूल, मतलब Na से दोनों साइड मल्टीप्लाई, मतलब फोर मोल एटम्स, देख रहे हो फोर मोल एटम्स, वन मोल मॉलिक्यूल मतलब फोर मोल एटम्स, और कितने मोल दिए गए 10^-3, तो 10^-3 मोल्स मतलब कितने 4 × 10^-3 मोल्स एटम्स, डन। यही तो कैलकुलेशन है, इतनी टुची सी, ऐसे ही बस। यहां पर क्या हुआ, हमारा पेशेंस चेक हुआ, कितने पेशेंटली हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं, फिर पीस ऑफ माइंड चेक हो गया कि भैया वैल्यू ढंग से लिखनी है, अगर यहां मोल लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मोल है तो राइट हैंड साइड में भी मोल लगेगा, मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, हम जब जब एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे उसका मतलब होता है मोल्स की बातचीत हो रही है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर लिखा, मोल्स हो गए, डन।
अब वन मोल मॉलिक्यूल उसके बाद गिवेन जो था उसके टर्म्स में निकालिए। ये तो आप यूनिटरी मेथड कर रहे थे, बट सही आंसर तो यहां के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो वहां पर आपको वैल्यू क्या दी गई थी, 10^-3 मोल्स, उसके रेस्पेक्ट में निकाल दिया। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ गया, 4 × 10^-3 Na। लेकिन अब आगे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब CH4 के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। सही है ना, 16 इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी बताओ 16 इलेक्ट्रॉन सही है, 5 नहीं रॉनी, 5 क्यों आएगा, 10^-3 मोल्स आए हुए है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती कर दी। फिर से एक बार चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया है, क्योंकि सर ने जो है वो बुढ़ापे की निशानी दिखा दी है, 5 की जगह पे 4 लिख दिया है, लोग चारों तरफ जो है खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। अरे एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, गलती कर दी है सर ने, है ना। देखो ना खुशी बेचार बेचराम, सब दांत निकाल रहे होंगे अभी कमेंट सेक्शन में, शर्म ही नहीं आती लोगों को। ये नहीं है कि बूढ़े बुजुर्गों का जो है वो की दुआएं ले ले, दुआएं क्यों लेंगे, उनको तो मजा आ रहा है, पूरे मोहल्ले में फैला रहे हैं, ये देखो गलती कर दिया, ये तो गलती कर दिया। और खुद जो जन्म जन्म गलती करते आएंगे कुछ नहीं, उसको छुपा लेंगे। जब जब क्लास में जब खुद गलती करते रहते और पकड़ाते हैं, बचने के पूरे बहाने ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले देखो, बीइंग ए स्टूडेंट सबसे बड़ा फायदा क्या है, अपनी गलती को फटाक से छुपा जाते हैं। कैसे छुपाते हैं? सुनना, मैं बताऊंगा अभी एक्टिंग करके आप बताना, एकदम रियलिटी यही है। 112 सालों से पढ़ा रहे, अब तो हर तरह के नमूने देखे, हर तरह के बदमाशों को देखे। तो अगर गलती हो गई तो देखो, एक स्टूडेंट ऐसे छुपाता है, ओ सर अरे मेरे दिमाग में यही था बस लिखते टाइम, ओहो वाह दिमाग में यही था लिखते टाइम, यही हो गया। तो यहां क्या था, यहां पर नहीं थी वो बात, वाह वाह वाह। फिर किसी की गलती हो गई, फिर पकड़ लिया, फिर से वही बात, ओ सर ओ अरे मैंने वही लिखा था, अरे वही तो मैं वही बताना चाह रहा था। इवन कि अगर मैं क्लास में खड़ा होकर के बोलता हूँ कि जरा कॉन्सेप्ट बताओ, जो कॉन्सेप्ट बताया था, कहा था ध्यान में रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए, खड़े हो जाएंगे और कुछ भी गलत सलत बोल देंगे। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ये ऐसा होता है, ये तो ऐसा होता है, ओ हाँ वही तो वही वही अरे वही 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 5 × 10^-3 वही 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 5 × 10^-3 वही। वैसे देखो मैं तो जो यहां पर कर रहा हूं उसका सबूत भी नहीं मिलेगा, मैं तो फटाफट ट्रिम कर दूंगा बीच से और पता भी नहीं चलेगा, सबूत भी नहीं रहेगा कहीं से, कौन सा तुमने फोटो ही ली होगी, अभी भले ही फोटो ले लो, इसलिए कोई फायदा नहीं है। फोटो ले भी लोगे तो यही माना जाएगा कि काल्पनिक है, जो भी तुम कर रहे हो तुमने गलत किया हुआ। ओके दोस्तों चलो, अपार्ट फ्रॉम मजाक फटाफट आया जाए, 16 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, यार या मैं यहां फंसाना चाह रहा था, तुम लोगों ने यहां जो ध्यान दे दिया 16 इलेक्ट्रॉन। मैं चाह रहा था कि तुम ऐसे फंस जाओ, तुम यहां पर 12 काउंट करो और यहां पर 4 काउंट करो और 16 लिख दो, जबकि ऐसे नहीं करना है। काउंटिंग कैसे करनी, काउंटिंग ऐसे होने वाली है, यहां पर कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है एक CH4 में तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैसे ही अगर आपने Na मॉलिक्यूल ले लिया तो 10 Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वैसे ही अगर आपने 10^-3 ले लिया तो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ, 10^-3 मल्टीप्लाइड बाई 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, दिखा तो सही है ना, 10^-2 Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10^-2 Na। चलो बोलो सही है, करेक्ट है, फटाफट बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने, तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन्स, करेक्ट है एक मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी वैसे ही होते हैं, बट हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो हाइड्रोजन में लड्डू और कार्बन में 6, तो 6 न्यूट्रॉन्स आएंगे, तो प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम हो जाएगा, 10^-2 Na प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब न्यूट्रॉन का नंबर निकालने जाएंगे तो ये 10 की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, 6 आएगा,
तो अगर न्यूट्रॉन निकालने गए तो 10^-3 मल्टीप्लाइड बाई 6 Na आएगा, ये न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए वही नंबर 10^-2 Na, बट न्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10^-2 मल्टीप्लाइड बाई 6 Na। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले क्वेश्चन बर्बाद कर देंगे आपको, बहुत ध्यान से देखना होता है। फिर आप ये नहीं बोल पाएंगे कि अरे यार सर काश हम भी बोल पाते, उम्र 155 की और हरकतें बचपन की, नहीं बोल पाएंगे आप। आपकी ऑलरेडी उम्र 155 की, ओ सॉरी आपकी बचपन की, तो बोल भी नहीं सकते आप। नेक्स्ट, सेकेंड मॉलिक्यूल दिया जा रहा है। सेकेंड मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा लंबा रखा जाए, अमोनियम कार्बोनेट। यहां बताएंगे नंबर ऑफ एटम्स और अमोनियम कार्बोनेट का 5 मोल दिया गया, ये गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बता दो, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बता दो। थोड़ी मेहनत है बट करनी होगी, तो मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं, उसके बाद आगे आप खुद से सॉल्विंग करोगे। देखो 5 मोल है, तो 5 मोल में पहले एक मॉलिक्यूल में देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल, कितने एटम्स, यहां से 3 और 1 4, और यहां पर कितने, 4 1 5 2 10, तो 14 सही है। चलो फटाफट चेक करो और बताओ, 14 नंबर सही है ना, 14 नंबर सही है। यस 14 नंबर सही है एक मॉलिक्यूल में। तो 5 Na मॉलिक्यूल मतलब 5 मोल में कितने हो जाएंगे बताओ, हो जाएंगे 70 Na, 5 Na से मल्टीप्लाई 70 Na, डन। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 70 Na। अब इसमें एक मॉलिक्यूल में आपको पता लगाना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं। एटमिक नंबर चेक कर लो, बस एटमिक नंबर से तो बात बन जानी है। तो 6 हो गए कार्बन से, प्लस ऑक्सीजन से 8 × 3, प्लस हर नाइट्रोजन में कितने आएंगे, 7, 7 × 2 14, प्लस हाइड्रोजन में 4 × 8 8, काउंट कर दो, ऐड कर दो, 14 8 22 22 और 6 28 28 और 24, 52 हो जाएगा। तो 52 यहां लिख दिया हमने, 52 सही है, 52 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फटाफट चेक करो 52 है क्या, 52। अरे सारे लोग मेरा कॉपी करके लिख रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, सारे कॉपी करके लिख रहे हैं बदमाश सब। अंदर से आग लग रही होगी आपको कि हम आपको कॉपी नहीं कर रहे, आप हमारे कॉपी कर रहे हो। मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, कुछ भी कह लो। 52 इलेक्ट्रॉन्स है भैया, और प्रोटॉन्स भी हैं। अरे लगे हाँ तो न्यूट्रॉन भी कर लो, न्यूट्रॉन भी वही होंगे, न्यूट्रॉन अलग से कैलकुलेट नहीं करना, बस हाइड्रोजन वाला कम कर देंगे 8। तो 52 में से 8 कम कर दो, 44 है ना, 52 इलेक्ट्रॉन्स। ओके 52 इलेक्ट्रॉन्स है यार, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, 52 × 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन की बात आएगी तो 44 × 5 Na कर देंगे, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन्स, डन है। इसको सॉल्व कर लेना, बना लेना, खत्म है कहानी। ओके डन है भाई, समझ गए आप ऐसे काम किया जाता है, इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स वगैरह निकालते हैं। तो अब तैयार हो जाएं आप एक घमासान के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नहीं हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं ज्यादा मजा आएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड 63 मिलीग्राम ऑफ HNO3, या हाँ 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 एंड 96 ग्राम्स ऑफ सल्फेट आयंस। चलो चेक करो कहां पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, सब जगह वैल्यूज को कैलकुलेट करना है
बट देखना है कि कितने ट्रिकी अप्रोच से आप कैलकुलेट करते हो। आपने कसम खाई आप मुझे कॉपी करोगे, आप जो भी तरीका अपनाने वाले हो अपनाओ, फिर जरा चेक करना कि मैं कैसे करता हूँ। सारे लोग लिखे जा रहे हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, रे बदमाशो ऐसा तो नहीं लग रहा है मेरे को, क्यों कर रहे हो ऐसा, गड़बड़ कर रहे हो रे बदमाशो। कैल्शियम कार्बोनेट में ज्यादा कैसे आ जा रहे हैं, वन मोल माना कि वहां पर वन मोल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि वन ही हो जाएगा। चलो भाई अगर इतना फास्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो सच में बहुत अच्छी बात है, बट लेट अस सी। 100 ग्राम पहले ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो वहां पर वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब ये है, वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम मतलब वन मोल है ना। मोल्स निकाल, मोल्स हमेशा निकाल दिया करो फटाफट, मोल्स निकालने में बिल्कुल टाइम मत लगाया करो। तो मोल्स निकाल लिए, वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्लस, ये एटमिक नंबर है 6 प्लस 24, 50 आ रहे हैं। तो एक मोल में कितने होंगे 50 Na, डन। यहां पर चेक करें 10^-3 मोल्स है, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1+7+24, 32 इलेक्ट्रॉन्स, 8 × 3 = 24, 24 + 7 = 31, 31 + 1 = 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल में 32 है, इतने में कितना आएगा, 32 × 10^-3 Na, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। वैसे यहां पर आ जाइए 96 ग्राम सल्फेट का मोलर मास कोई बताएगा। देखो सल्फेट का मोलर मास कैसे, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन के लिए 8 × 4। सल्फेट का मोलर मास देखो जरा, सल्फेट का मोलर मास कितना आ रहा है, 64 आया, सही लिख रहे ना, या फिर 96 आ रहा है, 64। हाय रे, मैं जान रहा था कि आप ऐसे ही करोगे। अब देखो, अब आपसे गलती करवा दी ना, बहुत देर से आप मुझसे गलती करवा रहे थे, बहुत देर से मुझसे गलती करवा रहे थे, अब मैंने गलती करवा दी वापस, 96 आना है ना। अब मौका मिला है टीचर को हंसने का, और वैसे ये काम मैं हमेशा करते रहता हूं, लेकिन वही बात है ना, एनवायरमेंट से, हवा से नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग हो नहीं सकते, और टीचर गलती कर दे और मुस्कुराए ना स्टूडेंट, ऐसा हो नहीं सकता। अरे वो कैसे लाइन बनाई थी यार, हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो नहीं सकता, नहीं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अलग हो नहीं सकता, टीचर की गलती पे स्टूडेंट ना मुस्कुराए, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा हाँ, ऐसा बनाया था, अरे यार लाइनों को लिखना था यार, अरेंज करना था, बट गलती करवा दी ना, बड़ा 64 कर रहे थे भाई, 80 मेरा कॉपी करना है, बस मुझे कॉपी करना है ना, आपने कसम खा लिया कि कैलकुलेशन मेरे जैसा करना है। अरे भाई मैंने मैंने ट्रिक्स बोले कॉपी करने के, कसम खाना है कि हाँ एकदम ऐसे कैलकुलेशन करना एकदम फास्ट, मतलब ये थोड़ी ना कि खुद से देखा ही नहीं कर दिया। तो खैर 96 इसका मोलर मास होता है, और भाई 96 ग्राम दिया हुआ है, दैट मीन्स फिर से एक मोल दिया है आपने, और अगर एक मोल दिया है तो एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर के पास, सल्फर का अपना एटमिक नंबर होता है 16, और ऑक्सीजन का एटमिक नंबर है 8 × 4 = 32, तो टोटल ऑल इन ऑल 48 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स। एक आयन के अंदर, एक सल्फेट आयन के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स है, 50। तो मोल्स कितने दिए गए, वन मोल, वन मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन्स दिए गए, हर एक आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 50। दैट मींस ओ ऑल इन ऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, थोड़ी जगह खाली की जाए यार, जगह बहुत ज्यादा खर्च हो गई है, थोड़ी जगह खाली की जाए, यस। तो जरा अगर ध्यान से देखा जाए तो वन आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स। सो वन मोल आयन, वन मोल आयन मतलब कितना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन्स मतलब 50 Na, करेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो जगह 50 Na आ रहा है, करेक्ट है, यहां पर भी तो 50 Na ही आया है और यहां पर भी 50 Na आया है, यहां जब जाएंगे तो ये 0.1 मोल हो जाएगा,
और 0.1 मोल हो गया। एक मॉलिक्यूल के अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 32 आएगा ऑक्सीजन से, 16 आएगा सल्फर से, 2 आएगा हाइड्रोजन से। तो यहां पर अगर काउंटिंग करेंगे तो यहां पर भी 50 आएगा, 50 इलेक्ट्रॉन H2SO4 में थे बट उसका मोल कितना है 0.1। तो 0.1 मोल का मतलब होता है 0.1 Na, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, ये बन जाएगा 5 Na। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 50 और 50 वाले 1 और 4 है ना। यस, सेकंड 63 मिलीग्राम ऑफ HNO3, ये जो 63 मिलीग्राम ऑफ HNO3 है इससे हमने पहले वैल्यू निकाल ली थी, 32 आ रहा था और मिलीग्राम की वजह से छोटा था। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 4, लॉक किया जाए। अरे बोलो, यस, 3rd July 2021, वी कैन क्योर मोल कॉन्सेप्ट। अरे कुछ तो बोलो, ये तुम्हारे लिए लगाया गया है यार, कैसे हो यार, जल्दी चाहिए था ना। राकेश का कहना समझ नहीं आया सर, मीम समझ में नहीं आया, कितनी गलत बात है, मीम तो समझ में आना चाहिए। मीम नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, मीम नहीं है हा? राकेश बोल रहा है सर समझ में नहीं आया। राकेश कैलकुलेशन करेगा मेरे दोस्तों, समझ में आएगा, ये कैलकुलेशन करने वाला पार्ट है दोस्तों। एक बात मैं बता दूं, अगर कैलकुलेशन ना, सी चैप्टर इज ऑल अबाउट कि आप कितना पीस ऑफ माइंड रखते हो। मैं अभी चैप्टर के एंड में ना आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो कैलकुलेशन कहीं पर भी टफ नहीं है, लेकिन ना आप अगर खुद से साथ साथ नहीं कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो आप गड़बड़ करोगे पक्का। मैं एक बार वापस जाऊं और यहां पर आपको बताऊं, देखो दोस्त यहां पर चलो एक पेज मैं ऐड करता हूं एक्स्ट्रा आपसे और भी कुछ बातें करने के लिए, बट फटाफट इसको सुनो, समझो, याद रखो। आपको सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, कितने लोगों को 1 to 36 में एटमिक नंबर याद है ये बताओ, मोल कॉन्सेप्ट के लिए, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है, वैसे इसे कभी भी पहला चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप 11th की शुरुआत करते हो तो आप छोटे नन्हे मुन्ने बालक होते हो, बच्चे होते हो, तो आपको ना इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि आप इस चैप्टर को सीख पाओ, क्योंकि यहाँ पर ना कैलकुलेशन की मैच्योरिटी चाहिए। कैलकुलेशन को लेकर के आपका ना जज्बा, आपका जो प्यार है, आपका जो आपके अंदर जो फीलिंग है वो बड़ी स्ट्रांग चाहिए। तो अगर कैलकुलेशन को लेकर के आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं होगे, बातें नहीं बनेंगी। मोल कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए ना पहली रिक्वायरमेंट है 1 to 36 एटमिक नंबर याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एटम का एटमिक नंबर क्या है, क्योंकि देखो अगर ये नहीं पता है तो आराम से कभी भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं समझ में आएगा। एटमिक नंबर के साथ साथ एटमिक मास आना चाहिए, ठीक है? अगर ये चीज आ गई मेरे दोस्त, तो दूसरी रिक्वायरमेंट है आपका ये, आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो लेवल पर भी हो कैलकुलेशन पर, कोई बात नहीं, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे बेशरम बनना है, दुनिया मुझे देख करके क्या बोलती नहीं बोलती मुझे कोई मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं, मुझको तो हर दिन खुद में प्रोग्रेस डालना है, फाइट करना है, हर दिन कैलकुलेशन और अच्छी करने की कोशिश करनी है। बस ऐसा करते करते 10-12 दिन, 2 हफ्ते 3 हफ्ते करते करते चीज़ अच्छी हो जाएंगी। बट याद रखना है कि ये काम ना, ये जो जादुई शक्ति, वो एक दिन में नहीं आती। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, पेशेंस रखना है, आएगा। कैलकुलेशन एक दिन में तो नहीं आती है, लेकिन एक दिन ज़रूर आ जाती है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होता है, बस अपनी मेहनत जारी रखना है। तो जितने लोग कॉन्फिडेंस पर कम है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ। और मैं बोल रहा हूँ आपसे यार कि आप जीरो पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करो। इसी कोशिश की वजह से करते करते करते, यार बचपन में साइकिल चलाना कैसे सीखा था, चोट लगती रहती थी लेकिन खूब मजे लेते थे। कोई बात नहीं है, चोट लगी ना, साइकिल आज सीख करके रहेंगे। बाइक चलाना सीखे या फिर जो स्कूटी चलाना सीखे होगे, अगर घर पे होगी तो खूब चोट लगा, लोगों को धक्का मारा होगा, खूब कुटाई पिटाई होगी, बट फिर भी आपने बंद नहीं किया है ना। पबजी वगैरह खेलते होगे, घर वाले खूब डांटते होंगे, लेकिन आप फिर भी खेलते रहे। तो दुनिया रोके दुनिया हंसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलूंगा, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। एक बार अनस्टॉपेबल ओपी हो जाए, और कमेंट सेक्शन आज अनस्टॉपेबल के नीचे भर देना, और अभी भी अपने इस वीडियो के नीचे भी अनस्टॉपेबल भर देना हैशटैग।
थर्ड जुलाई इज द डेट वी कॉन्कर, वी कॉन्कर कहां गया कॉन्कर, मजाक बना दिया, हाँ वी कॉन्कर मोल कॉन्सेप्ट। एक फोटो हो जाएंगे, या चलिए बहुत हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस का ध्यान रखो और ये रखो ना पीस ऑफ माइंड, ठीक है, ये याद रखो, ये बात याद रखो। कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे, गुड कैलकुलेशन, मतलब रैंक एकदम अच्छी रहेगी पक्का। आपको करना क्या है, सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं यहां पे, बट आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन ही आपको बहुत टफ लगते हैं, कुछ खास कहां है भाई घुमा फिरा करके, मोल क्या है, मोलर मास क्या है, वही सब बातें हैं। मोलर मास अभी समझाया था ना, मास ऑफ वन मोल होता है, क्या होता है, मास ऑफ वन मोल होता है। किसी भी स्पेसिस का वन मोल ले लो, मास जो एक मोल का होता है वो मोलर मास कहलाता है। मोलर मास ऑफ एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये आयन्स हो सकता है, ये तीन तरह के स्पेसिस होते हैं, एटम मॉलिक्यूल आयन। किसी का भी मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयन। तो जो क्वेश्चन यहां था ना, ये इस क्वेश्चन को तो आप तभी समझ पाओगे ना जब आपको पता है कि कैल्शियम का फटाफट कितना लेना है, एटॉमिक नंबर 20 लेना है। और अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो एटॉमिक नंबर 20 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 20 प्रोटॉन्स होंगे, वही कैलकुलेशंस थी, सबके कैलकुलेशंस थे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, सबके बारी बारी से कैलकुलेशन थे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मोल्स पता चल जाए, और मोल्स पता चल जाएंगे तो क्वेश्चन ने आपसे बार बार पूछा था हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप नंबर निकालते हो ना, देखो अगर आप नंबर निकालते हो, अगर आपको नंबर निकालना होता है तो वन मोल को कन्वर्ट करोगे नंबर्स में, तो कितना नंबर है ये, अप्रोक्सीमेटली 6 × 10^23। हम 6.022 वगैरह लिखते ही नहीं है क्योंकि टू चेस की जरूरत ही क्या है, 6 के बाद 0 है, 0 के बाद 2 है, औकात ही नहीं है। रफली लिख लो 6 × 10^23। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं यार स्ट्रिक्टली हमें लेना है 6.022 तो लेंगे, और नहीं तो हमारा सारा काम 6 × 10^23 से बन जाता है, तो हम क्यों करेंगे, हम क्यों फालतू की चीजें को लिखते रहेंगे, नहीं लिखते। तो नंबर में जब भी चेंज करना होगा ना दोस्तों, एवोगैड्रो नंबर लाना होगा ना, तभी हम यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर बार बार यूज कर रहे थे। देखो एवोगैड्रो नंबर बार बार यूज कर रहे थे क्योंकि नंबर की बातचीत की गई थी। आप जब तक मोल फास्ट नहीं निकालोगे, मोल निकालने के लिए तो एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला बार बार यूज होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो जो गिवन मास है उससे मोल निकालने की आदत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि खेल तो यहाँ पर मैंने बोला था ये गेम चेंजर होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखाई देंगे। आज की डीपीपी में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ। लो आपको पहले मोल निकालना है, मोल निकालने के बाद फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, तो 5 मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, एक मोल में कितना एटम होगा। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर दिख रहे हैं कि 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 50 Na होंगे। तो फिर 0.1 मोल के अंदर कितने होंगे, 0.1 मोल मतलब 0.1 Na। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0.1 Na। डन, मोल बोला दैट मींस के नंबर के टर्म्स में वो लिखाएगा Na। बस इतना फॉलो करोगे आराम से बनेगा। वीडियो को रिवाइंड कर लेना और मुझे सुनते जाना मैंने कैसे कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। आओ यहां पर क्या सिखाना चाहते हैं वो सुनो। अभी अगर मैं आपके सामने कोई स्पेसिस रैंडमली लिखूंगा, आप मुझे मोलर मास बता दोगे ना, तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप जरा मुझको बताना तो इस स्पेसिस का मोलर मास, जरा मैं चेक करूं। बट मैंने बताया, देखो ये आपको आएगा नहीं अगर आपने, अगर मैंने आपको ये स्पेसिस दिया है और मैंने आपसे मोलर मास पूछा, सिर्फ आपको तंग कर रहा हूं बड़ा सा मॉलिक्यूल दे करके, चेक करना चाह रहा हूं कि आप निकाल सकते हो कि नहीं। मैंने आपको बताया ये सब गड़बड़ मत करना, मोल कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए है ना, मोल कॉन्सेप्ट अच्छा करना चाहते हो, इसके बिना बात नहीं बनेगी। वैसे तो कोई भी फैक्टर आपका गायब नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। पता है आपको, एक ही बैच में बैठे हुए स्टूडेंट्स
एक ही बैच में बैठे हुए स्टूडेंट्स, हमारे एक ही बैच के कई सारे स्टूडेंट ऐसे हुए हैं, सेम बातें वो पढ़ते हैं, सारी बातें सेम नोट्स फॉलो करते हैं, सेम क्वेश्चंस बनाते हैं, सेम लॉजिक्स वो जानते हैं, बट सिर्फ पीस ऑफ माइंड की वजह से उसी ग्रुप में से किसी स्टूडेंट की फर्स्ट आ जाती है, किसी की 7 आ जाती है, किसी की 32 आ जाती है, किसी की 100 के बाद आ जाती है, किसी की 500 आ जाती है, बट के सबका टैलेंट ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन एग्जाम के दिन जो पीस ऑफ माइंड होता है, एग्जाम के दिन क्या बात अलग होती है? 2 साल जो पढ़ाई करते हो, एग्जाम के दिन क्या बातें अलग हो जाती हैं? या साल भर ही पढ़ते हो, एग्जाम के दिन क्या अलग हो जाता है? पीस ऑफ माइंड। एग्जाम के दिन आपके एग्जाम के सेंटर पर स्टूडेंट्स दिखते हैं, मम्मी पापा आपकी एक्स्ट्रा केयर करते रहते हैं, चारों तरफ माहौल होता है गमगीन, गम से भरा हुआ। गम का मतलब वो वाला गम, दुख दर्द वाला, वो नहीं चिपकाने वाला गम नहीं, गम का मतलब वो वाला गम, गम मतलब दर्द वाला। चारों तरफ जेई मेंस, जेई एडवांस की बातें हो रही होती है, आपकी टेंशन हो जाता है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है, डर हावी हो जाता है, पीस ऑफ माइंड कम हो जाता है। ये कभी नहीं होने देना है, पीस ऑफ माइंड सही रखना है, ठीक है? पीस ऑफ माइंड अपनी जगह पर रहना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए, है ना? ये स्लाइड मैंने खास करके रखी भी आपको याद दिलाने के लिए। हमारा माइक्रो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये जो लॉन्ग टर्म कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर और जो माइक्रो कोर्सेज है, ये बहुत बड़े हथियार हैं। आप में से जितने लोगों ने भी प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, हमारी माइक्रो कोर्सेज आने वाली हैं, तो माइक्रो कोर्सेज मिस मत करना। माइक्रो कोर्सेज किसी भी स्टूडेंट का बहुत बड़ा हथियार होती है प्रो सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि इसके थ्रू आप टॉपिक्स अपने स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने कुछ भी, कोई भी वीक पोर्शन आप अच्छा कर सकते हैं, बार बार रिपीटेडली किसी भी चैप्टर को जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ग्रिप में नहीं आ रहा, उसको कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। और जो जिस किसी भी बैच में आपको एक्स्ट्रा, जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस करनी, जहां पर भी आपको लगता है कि जिस किसी भी क्लास में जा करके एक्स्ट्रा फायदा है, सब में आप जा सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज में जा सकते हैं। तो ये मैं भूल ना जाऊं उसके लिए बीच में एक रखे रहता हूं मैं। अब आपको इसका मोलर मास बताना था, कुछ लोगों ने 400 बोला है, लेट अस चेक कर ले क्या, 14+4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। सल्फेट जब देखो, ये सब ट्रिक सीख लो। अब पता है क्या, कुछ स्पेसिस के ना मोलर मास का ध्यान रखो, कुछ स्पेसिस को रटो मत, जैसे NH4+ है, जैसे ही आपने देखा, देखो NH3 अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन का 14+3 17 होता है, तो याद रख जाओ, ये सब स्पेसिस बहुत आते हैं। वाटर का थोड़ी ना अब आपको निकालते रहना, याद रखना 18 होता है, अमोनिया का 17 होता है, NH4+ का कितना होगा 18 होगा, सल्फेट का कितना होता है 96 होता है, FeSO4 का भी वैसे याद रख जाओ, आयरन का 56 होता है। देखो 1 to 36 बहुत जरूरी है, आप में से जितने स्टूडेंट्स को 1 to 36 नहीं याद आता, याद रखना 1 to 36 का एटॉमिक मास आपको पेपर में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ NCERT में है, तो NCERT में जो भी वैल्यूज दी हुई है वो आपको हो सकता है नहीं दे, क्योंकि वही वैल्यूज तो अब जेई मेंस में पूछी जाती हैं। जब से कोविड का प्रकोप बढ़ा है, NCERT से क्वेश्चंस का अमाउंट बढ़ गया है, NCERT के डेटा से क्वेश्चंस का अमाउंट बढ़ गया है, इसीलिए दोस्तों केयर करना, NCERT के डेटा को मिस मत करना। FeSO4 आयरन का 56, सल्फेट का कितना 96, ऐड करते जाओ, 6 × 18 भी करना होगा, यहाँ से 108 आ जाएगा, इसे चेक करोगे तो 152 आ जाएगा, फिर 96 आ जाएगा, ऐड करते जाओ, कितने आ जाएंगे यहाँ से 18 × 2, 36, इन सबको ऐड करना होगा, ठीक है? अनन्या, पीस ऑफ माइंड का मतलब है कि मुझे मेरे काम से प्यार है, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, मुझे ड्रीम्स फॉलो करने है, हो गया, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे भाभी जी घर पे हो, चाहे ऑगी अंदर कॉकरोच हो, चाहे पोगो चैनल हो, चाहे दुनिया के 10 तरह के डिस्टर्बेंस हो, चाहे चिट चैट हो, कुछ भी हो, पहले अपना काम करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे, बस ये पीस ऑफ माइंड है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है, मुझे अपना काम करना है, मुझे जो काम पसंद है मुझे वो करना ही करना है। और दुनिया वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना, आइसोलेटेड रहना, कुछ हो भी रहा उससे फर्क नहीं पड़ना, मतलब ये कि ऑल इन ऑल डिस्टर्ब ना होना। जैसे अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम दूसरे लोगों की बातें सुनकर के उनको रिकॉल करते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, ओवरथिंकिंग के की बीमारी को आप जान रहे होगे, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं,
दिन भर में हम क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, यार मेरे दोस्त ने ऐसी बात बोल दी थी, मेरे दोस्त ने ऐसा मैसेज कर दिया था, मेरे दोस्त ने ऐसा इमोजी भेज दिया था, मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, पापा ने ऐसा बोल दिया था, फालतू की बातें याद आते रहती है। कोई मूवी का सीन याद आता रहता है, कोई गाना याद आता रहता, होता है ना ऐसा। ऐसी कोई भी चीज़ जो डिस्टर्ब कर देगी और पढ़ने ना दे, दैट मीन्स पीस ऑफ माइंड हमारा जा रहा है। इनसे बचना, दैट इज पीस ऑफ माइंड। वैल्यू कितनी आ गई थी, 392। पक्का मैं तुम पे भरोसा करूं कि नहीं करूं यार, डर लग रहा भरोसा करने से। 260 तो यहाँ से आ गया, 96, 132 या 392, ठीक है 392 मोलर मास। बट अब जो मोलर मास हमें यहाँ पर सीखना है ना, यहाँ पर एक पेज ऐड कर दे बस। अब एंड आज की क्लास, ज़्यादा चीज़ें है नहीं इसमें, एक पेज यहाँ पर ऐड करते हैं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर आपको बता देते हैं। आज DPP में इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो बहुत ही मजेदार बात है, इस पर अगले क्लास में आपको चॉकलेट क्वेश्चन मिलने वाला है मोलर मास ऑफ मिक्सचर पर। मिक्सचर का मोलर मास क्या होता है, तो ये बड़ी मजेदार सी चीजें से सीखो। ये 11th और 12th के बहुत सारे चैप्टर्स में इसके क्वेश्चन जो है मिक्स रूप में आते रहते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर के। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम सेक्शन में हमारा काम बहुत आसान करेगा। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ वन मोल ऑफ मिक्सचर। अब सपोज दैट एग्जांपल आप लो, सपोज दैट हमारे पास ऐसा कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने N2 रखा है, O2 रखा है, ठीक है, और N2 के भी 5 मोल्स रखे हैं और O2 के भी ना 5 मोल्स रखे हैं। अब जरा सोचो दोनों के 5 मोल्स हैं तो मास कितना आएगा, चेक करो। N2 का मोलर मास नाइट्रोजन का 14 × 2 28, 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 140 ग्राम। यहाँ से O2 से निकालो, 32 × 5 160 ग्राम। टोटल मास बताओ कितना आ गया, 300 आ गया क्या, ठीक है। कितने मोल्स थे टोटल, 10। तो 10 मोल्स का मास बताओ फटाफट, 10 मोल्स बराबर कितना होगा 300 ग्राम, तो एक मोल बराबर कितना होगा बताओ, 30 ग्राम। बस यही तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर है, एक मोल का मास निकाल दिया, यही है मोलर मास ऑफ मिक्सचर। इसी का दूसरा नाम मेरे दोस्तों याद रखना, एवरेज मास भी बोला जाता है इसे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर या एवरेज मास। अब इसे निकालने का दूसरा तरीका देखो, फॉर्मुलेशन देखो, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। जो फॉर्मूला होता है उसका वो ये होता है, मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस इसी तरह से आगे। अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो उनके लिए भी यही काम करते जाओ, टिंगी 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 करते जाओ, मतलब अच्छा ऐसे ही करते जाना, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनके लिए। एक पेज और ऐड किया जाएगा यहां पर, नहीं 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 नहीं, दो पेज ऐड करेंगे, हो सकता है कि हमें ज्यादा की जरूरत पड़ जाए, है ना, नहीं एक और ऐड करेंगे फटाफट। आप 2-3 क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, कहानी खत्म। जाते जाते आपको रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री का मीनिंग क्या होता है बस ये बताना है। अरे काम खत्म आज का मेरे दोस्तों, अब तो खुशी के मारे आप तो पागल हो रहे होंगे, अरे आज का काम खत्म है, क्या बात है क्या बात है, मूल कॉन्सेप्ट मजा आ गया, पहले ही क्लास में जो एकदम मजा आ गया, पहले क्लास में इतना कम काम किया हमने। इसलिए खुश मत हो, खुश इसलिए होना है क्योंकि चीजें समझ में आई है ना, बोलो बोलो। ओके भैया देखिए तो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताना है। अच्छा अरे यार भुलकड़ू, उम्र 155 की, यार कहते बचपन की रे भुलकड़ू, क्यों भूल गया रे भुलकड़ू। देखना दोस्तों, मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला मैं बता रहा था, ये मैं लिख रहा था ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ये, तो इसको समझा दूं मैं, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले टिंगी टिंगी का मीनिंग क्या होता है ये बताओ, टिंगी टिंगी का मतलब होता है डॉट 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 डॉट, मतलब कि जो चीजें यहाँ पर हो रही है उसी को प्रोपेगेट कर देना है। हो सकता है कि थर्ड कंपोनेंट होगा तो उसके लिए ऐसे लिखना है, फोर्थ कंपोनेंट होगा तो इसके लिए ऐसे लिखना है, फिफ्थ कंपोनेंट होगा तो उसके लिए ऐसे लिखना है, सिक्स्थ कंपोनेंट होगा तो उसके लिए ऐसे करते जाना है, मतलब यही मतलब है। तो टिंगी टिंगी लिखने का मतलब है कि यार ऐसे ही कुछ कर लेना आगे, ये बताने की जरूरत थोड़े ही ना है, अरे कर लेना यार,
कर लोगे ना, ठीक है। बट मोलर मास ये तो आप जानते हो, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो सीखना है। मोलर मास जानते हैं आप, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, एक ऐसा फ्रैक्शन, मतलब एक ऐसा रेशियो जो मोल्स का रेशियो है, जिसमें अगर कंपोनेंट नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट लिखने होंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स लिखने होंगे। तो जरा एक बात बताओ मुझको, अयो हाँ, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नाइट्रोजन के अपने मोल्स कितने हैं दोस्त बताओ? नाइट्रोजन के अपने मोल है 5, लेकिन टोटल मोल्स कितने हैं 10, तो 5/10 कितना होता है 0.5। ओ मतलब मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का है 0.5। अरे कितना आसान है निकालना। फिर जरा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बताना आप मुझको फटाफट। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हाफ है ना? यस, वाह आर्यन वाह, जेई 2052 स्ट्रेटजी। देखिए जेई 2052 स्ट्रेटजी, इसका मतलब है कि जिस बच्चे को तैयारी करनी है अभी उसके पैदा होने में 25-30 साल है। जेई 2052 की स्ट्रेटजी यही है कि 2052 जब तक आ ना जाए तब तक करो ही मत कुछ। तो बदमाशी कितनी करते हो बे तुम लोग, हंसाने के लिए आते हो बस बीच में। मैं भी इसीलिए देख लेता हूँ कि हंसी आ रही होती है, सोचता हूँ चलो यार थोड़ा हंस लेते हैं थोड़ा तो। अरे मैंने खास करके 2052 पढ़ा, 2025 पढ़ता तो कौन सा मजा आता। मैंने सोचा कि भाई मजे ले रहा है 2025 के लिए, मैं उसका मजा डबल कर देता हूँ। देखो हद यार, स्ट्रैटेजी कितनी आसान सी है भाई, आओ साथ में पढ़ो मजे करो, बस इतनी आसान सी स्ट्रैटेजी है यार 2052 स्ट्रैटेजी। ओके तो मैं बता रहा था आपको, देखो मोल फ्रैक्शन ना निकालना कितना आसान होता है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला है ना, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अगर आपके पास दो कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.5 है ना, मतलब दूसरे का अपने आप 1-0.5 हो जाएगा। दूसरे का कैलकुलेट ही मत करो। दो कंपोनेंट अगर हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन मिला करके आंसर 1 आएगा। अगर तीन कंपोनेंट है तो तीनों के मोल फ्रैक्शन मिला करके आंसर 1 आना है। जितने कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करके आंसर हमेशा 1 आना है, हमेशा हमेशा। सो सिंपल 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 पिंपल। मेरा एक दोस्त था वो सिंपल को कभी भी सिंपल बोलता ही नहीं था, हमेशा सिंपल ही बोलता था। तो मैं भी उसको बोलता था अरे मेरे सिंपल पिंपल। तो मुझे अभी बस बोलते बोलते सिंपल मुझे याद आ गया उसके नाम सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कितना सिंपल पिंपल है ना सिंपल। तो ऐसे ही जरा यहां पर ध्यान दो। अच्छा यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन कहाँ है? ओ भाई साहब, जब मैं 3 पेजेस ऐड करता हूं ना हमेशा लास्ट वाले पेज पे ही क्यों लिखाता है? 3 पेज ऐड करने का मेहनत है, छुई मुई और मेरा जो रिलेशन ही सही नहीं होने वाला है। मैंने तुमको बोल 3 पेज ऐड किए थे मैंने, तीसरे पेज पे क्यों लिखाया? अब 2 पेज उसका मैं फिर वापस पीछे जाके लिखूंगा मैं, कोई इग्नोर, ये नखरे होते रहते हैं। तो एक बात बताओ मुझे फटाफट, अगर मैं एक दूसरा कंटेनर देता हूं और इसमें बताता हूं, पूछता हूं आपसे कि CH4 दिया है और इसी तरह से CO2 दिया है और साथ में N2 भी दिया है और मेरे दोस्त CH4 का मोल है 0.25 और CO2 के मोल से 0.5 और N2 के मोल से 1, मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। मोल फ्रैक्शन जरा बताना CH4 का, कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.25 को डिवाइड कर दो, टोटल मोल्स कितने हैं? 1.75, करेक्ट। तो 1.75 से डिवाइड कर दो, डन है। अच्छा मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 1.75, करेक्ट है ना? सही है। तो पता है क्या, मैं अब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है ना उसको ऐसे लिख दे रहा हूं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। ऐसा क्यों लिखूंगा बताओ? ऐसा इसलिए लिखूंगा ना क्योंकि N2 का जो मोल फ्रैक्शन है, N2 का जो मोल फ्रैक्शन है मतलब 3 कंपोनेंट है यार, तीनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो N2 का निकालने के लिए 1 माइनस ये दोनों कर देंगे, ठीक है? बस ऐसे ही करते हैं हर बार। तो जो आंसर हमने निकाला था ना इतनी आसानी से,
ये जो हमने आंसर निकाला था ना इस केस में, कैसे निकाला था, ऐसे करके निकाल दिया था, ठीक है। ये फॉर्मूले से नहीं निकाला था, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया था। मोल कॉन्सेप्ट में तो यही होता है कि जितने भी यूनिटरी मेथड्स होते हैं, यूनिटरी मेथड्स, जितने यूनिटरी मेथड्स है सबका एक फॉर्मूला होता है। तो यूनिटरी मेथड से करो या फॉर्मूला लगा दो, जरा एक बार चेक करते हैं फॉर्मूले से आंसर आता है कि नहीं। पहला कंपोनेंट कौन सा ले ले, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन ले लेते हैं, जरा बताओ फटाफट कि मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 28। एंड मोल फ्रैक्शन N2 का भी हमने निकाला था 0.5 को हाफ लिख लेते हैं, प्लस मोलर मास ऑफ O2 कितना आएगा, 32, और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आएगा बताओ, हाफ, दैट मीन्स 14 + 16, ये कितना है, 30, करेक्ट। तो वही 30 तो यहां पर भी आया था, आगे आंसर, आंसर तो वैसे भी आया है ना। तो चलो फटाफट आप क्वेश्चन और एग्जाम्पल करो, जल्दी बताओ मुझको। अ मिक्सचर कंटेन्स, पहला 14 ग्राम N2 एंड 8 ग्राम O2। सेकेंड मिक्सचर है, ये अलग है, ये अलग है। कंटेन्स 1.6 ग्राम CH4, 3.011 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड 3.011 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। फाइंड मोलर मास इन ईच केस, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इन ईच केस। मोलर मास ऑफ मिक्सचर कर दिया जाए तो ज्यादा प्यारा लगेगा। मोलर मास ऑफ मिक्सचर इन ईच केस, फटाफट बताओ मोलर मास ऑफ मिक्सचर बताना है। क्या हम फॉर्मूले से चलते क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूले से निकालते हैं, देखते क्या होता है। मोलर मास ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस मोलर मास ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो N2 का मोलर मास कितना होता है, 28, बट आपके आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर हाफ मोल्स है इसके, और इसके मोल्स कितने हैं, 1/4 है। ये मैंने कैसे निकाला, सिंपल, गिवन मास बाई मोलर मास करेंगे। इसका गिवन मास कितना है, 14, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है, 28। इसका देखो गिवन मास है 8, लेकिन O2 के लिए 16 × 2, मोलर मास कितना होता है, 32, तो 1/4। तो टोटल मोल्स कितने हैं, 3/4, दोनों को ऐड करो, टोटल मोल्स कितने आ गए, 3/4, है ना। ये सब देखो, ये ऐड करने आता है ना, मेरे से मुझसे सीखो कितना फास्ट ऐड करते हैं, हाफ प्लस 4 इज 3/4, ऐसा एडिशन देखा है कभी, इसे सीखो, ओके। तो भाई अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की बात करें तो N2 का मोल है हाफ और डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है, टोटल मोल हाफ डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस O2 के मोलर मास कितने, 32, और O2 का मोल फ्रैक्शन मतलब उसके मोल्स 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं भाई, 1/2 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 28 × 2/3 आ जाएगा, प्लस यहां पर कितना आएगा, तो 32 × 1/3 आ जाएगा, मतलब 56 और 32 ऐड हो जाएंगे, तो 56 और 32 इज 88 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। कितने लोगों का आया है, 88 बाई 3, फंस गए, फंसे, 1.6 ग्राम ऑफ CH4 0.1 मोल है, ये कितना मोल है, हाफ, ये कितना मोल है, हाफ, टोटल मोल कितने हो गए, 1.1, टोटल 1.1 हो गए, ओके। अब आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो ये देखो CH4 का होता है 16, उसका मोल है कितना, 0.1, मैं साइड में दिखा दे रहा हूं, फटाफट कैलकुलेट करके आप देख लेना। O2 के मोलर मास कितने होते हैं, 32, और उसका अभी अपना कितना गिवन मोल है, हाफ, प्लस N2 दिया है CO2, मोलर मास 44 और मोल से हाफ। अब ऐड करो टोटल मास को, 1.6 और यहां से 16 और यहां से 22, कितने आ जाएंगे, अरे कितना आया बबुआ बताओ, तुमसे क्यों पूछ रहा हूं, मैं तो फास्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, 38, 39.6,
सो यहां पर मोलर मास आ रहा है 39.6, करेक्ट है, आया आपसे, फिर गड़बड़ निकाला, फिर गड़बड़ निकाला और फिर मेरे ऊपर डाल दोगे कि सर आपने गड़बड़ किया है, सब समझता हूं मैं। अरे दोस्तों हुई है ना गड़बड़, 39.6 आया ना सर, वो दिमाग नहीं चल रहा था मेरा। ओके, चलो अभी ये तो समझ में आया ना कि कैलकुलेशन ऐसे 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 चुटकी में कैसे करते हैं, नहीं आया, ऐसे तो चुटकी में करते हैं, मॉलिक्यूल दे करके, मास दे करके आपसे मोल पूछेंगे, मोल से हम फटाफट मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे यार, क्या ही करना है, और हर स्पेसिस का मोल निकालते जाएंगे, हर स्पेसिस के मोल्स निकालेंगे, टोटल मोल निकाल करके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, हर स्पेसिस के मोल फटाफट निकाल लें, टोटल मोल निकालने के बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है, और फिर हर कंपोनेंट के लिए उसका मोलर मास उठा करके उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हर स्पेसिस के मोलर मास को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे हर स्पेसिस के लिए, यही काम करते जाएंगे और फिर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 88/3 was the correct answer, करेक्ट आंसर, बहुत सही। ओ बाबा विनय सर का सेशन है, चलो एंड किया जाए, आपको आगे रिएक्शन स्टोइकोमेट्री के बारे में यही बताना था, मैंने शुरू में बता दिया है, बट इस पे प्रॉब्लम अगले क्लास में होगा। रिएक्शन स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है रिएक्शन का मेजरमेंट। अब रिएक्शन का मेजरमेंट कैसे होता है, ऑब्वियसली मोल्स के टर्म्स में और मास के टर्म्स में, है ना। मुझे आज के लिए बस यही समझाना था कि स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले ही समझाया हुआ है मेजरमेंट, इस पर कोई भी काम नहीं करना था आज, और आपको डीपीपी में भी कोई काम दिया नहीं है, तो बस यही हमारा दी एंड है। अब आप मुझे बस फटाफट ये बता दो कि आप सेशन में तो जा रहे हो विनय सर के, अरे यार सच में विनय सर का सेशन है यार, चलो विनय सर के सेशन में जा रहे हो तो सेशन स्टार्ट हो गया, तो चलो दोस्तों बाय बाय कर दिया जाए आपको, कहानी यहीं पे खत्म की जाए, बट अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और जितने लोगों को भी प्रो ज्वाइन करना होगा मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, बस इससे ज्यादा नहीं करना, टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, अपने दोस्त का कोड लगा दो, मैसेज कर दो कि दोस्त आपका कोड लगाया है, अब आप जो भी दुख दर्द है वो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल अपने वेदांतु जेई ग्रुप का चैनल है, इस पर सॉल्यूशन आने वाले कल के जो 6 JEE एडवांस वाले क्वेश्चन जो आपको करवाए थे उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके डालने वाले हैं, आगे बताया था क्विजेस भी डालेंगे इस पर, सो इसको ज्वाइन करके रखना, ओके। और प्रो ज्वाइन करना मेरा, अपने दोस्त का कोड लगा करके, और एडिशनल फीचर आपको बताया, मंडे से जो है आपको टेलीग्राम को ऑप्टिमाइज कर दे रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल इंट्रैक्शन बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आपने प्रो लिया हुआ है तब तो आप पे स्पेशल ध्यान रहेगा, आपसे बॉन्डिंग, मतलब आप जो भी मुझसे अगर बॉन्डिंग चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पर थोड़ा नॉक करना है कि दोस्त बात करनी है, दोस्त मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, दोस्त मेंटली मैं अभी बहुत सारी चीज़ों से फेस करो, बहुत सारे स्टूडेंट दिल की बातें शेयर करते हैं, और जहाँ तक हो सकता है मैं वहाँ तक हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मंडे से आपको नया अवतार मिलने वाला है टेलीग्राम पर, सो पूरी कोशिश करना कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पर बीस्ट केमिस्ट आपको दिखाया हुआ लिंक, ओके चलो जाओ आप सेशन में जाओ, फटाफट बंद करते सेशन को, बाय 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 बाय, आपको दूसरा सेशन है, बाय 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 बाय, टेक केयर। कंप्लीट द रेस्ट तो करना ही नहीं था, बात ही कर सकते हैं आपको, विनय सर ने देख लिया है ना, विनय सर ने 7 बजे कर दिया देख करके कि ये जो है ना मेरे सेशन के टाइम में जो ये बंदा जो है। अरे यार वैसे मैंने देखा नहीं था भाई, वैसे देख भी लेता तो मैं यही काम करता। सॉरी फॉर दैट, विनय सर आप देख रहे हैं अगर तो एट्स ऑफ भाई, क्या बात, आज आपका एग्जांपल दे दिया था मैंने, वो न्यूटन्स लॉ वाला, न्यूटन्स थर्ड लॉ में आता है वो, है ना, वो जो बंदर जो रस्सी पकड़ करके ऊपर चढ़ता है। गोलू मोलू सा जो बंदर है ना, विनय सर देख ही रहे होंगे, है ना, नहीं देख रहे होंगे। आज तो लगता है कि विनय सर पूरी तैयारी में आएंगे,
है ना, तैयारी में आएंगे कहीं हमारी ना ले ले। अरे अरे इतनी तेजी से क्यों चैट बॉक्स भाग रहा है भाई? अरे 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 रुक जा भाई, रुक जा भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे रुक जाओ जैस्मिन, अपडेट हो गया है ये, इसको देख लेना प्लीज। अगर आपको लगता है कि, अगर आपको लगता है ना कि एनोटेशन नहीं है, तो अपडेट करवा दिया था मैंने, देख लिया था कि एरर आया हुआ है, ठीक कर दिया था उसे। ठीक है सर, केमिस्ट्री नोटेशंस पे रोज दिक्कत होती है। एक एक्चुअली एनोटेशंस पे रोज तो दिक्कत नहीं होती, पहले बदमाशी मत करो, बट दिक्कत होती है, आई एक्सेप्ट दैट। क्यों? क्योंकि ना मैं मिस कर जाता हूँ बार बार, जो एरर आता है उसको ठीक करना मैं मिस कर जाता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है यार क्या ही एरर आएगा, लेकिन चूंकि एरर्स आते हैं, तभी तो आपसे लास्ट क्लास में पूछ रहे थे, याद है, शुरू में एरर आ रहे थे, फिर बीच में नहीं आ रहे थे, फिर लास्ट में दो तीन क्लासेस में आए हुए। वो मेरी गलती की वजह से मैं चेक नहीं कर पा रहा था, बट आप बताओगे तभी ये ध्यान में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अब बार बार मैं खुद से देख लिया करूँगा। बट जैसे जैस्मिन ने टेलीग्राम पर मैसेज किया था, तो मैंने सुबह में चेक करके वापस ठीक कर दिया था उसे। आई होप दैट के आप लोग भी इसी तरह से बस बता दिया करो। विनय सर वाला एम मास भी तो हो सकता है सही बात बोल रहे हो, बट देखो मैं तो एम से मास नहीं समझता, मैं तो एम से मोहित समझता हूँ, है ना। हाउ टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री, आप तो हाउ टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसे बता रहे हो, इस पर तो सेशन आना चाहिए ना। जैसे अभी हमने एक हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन लगाया है, तो आपने देखा होगा जो कैप्टन ने लिया था हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे सेशन लाएंगे हाउ टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री, और बुक्स पर भी काफ़ी सारे सेशंस लाएंगे। टाइम आने दो, अभी टाइम सही से निकल नहीं पा रहा है। बट यार आपका चैट तो साइड हो गया जी, माइक्रो कोर्स हमारे बहुत कम आते हैं, लेकिन मीत अभी तो आने वाले हैं, जस्ट अभी भर भर के आएंगे माइक्रो कोर्सेज, भर भर के आएंगे, फॉर्मूला शीट भी भर भर के देंगे, टेंशन ना लो। बट फार्मूला शीट अभी आपको मिलेगी वेडनेसडे से, फार्मूला शीट जो है वेडनेसडे, आपकी क्लास वेडनेसडे होने वाली है ना शायद आज के बाद, तो वेडनेसडे से आपको फार्मूला शीट मिलने शुरू हो जाएगी, टेंशन ना लो। सॉल्विंग की बुक बाय कर ली, थ्योरी यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग एन एवस थी वीके जायसवाल। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्त, अभी के टाइम पर सबसे अच्छा काम है कि आप चुपचाप कम प्रॉब्लम सॉल्व करो, टू द पॉइंट सॉल्व करो, डीपीपीज वगैरह सॉल्व करो, बुक्स भी सॉल्व करो बिंदास, आपको लगता है कि आप सॉल्विंग कर सकते हो अच्छी करो, लेकिन हमेशा याद रखना रैंक जब बनती है ना तो एक मटीरियल पर फोकस करके बनती है, ढेर सारे मटीरियल पर फोकस करके नहीं बनती है। क्योंकि जब आप सॉल्विंग करते हो और फिर प्रॉपर रिविजन करते हो तो आपके अंदर जादुई शक्ति आती है। ओके अभी चलो सेशन को गैप दे देते हैं, सो दैट कि आप रेस्ट कर लो और फिर विनय सर का सेशन करो आराम से, अच्छे से बंद करते हैं। बट जाते जाते आपको बता दें एक बार कि प्रो सब्सक्रिप्शन लेने से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा, मंडे से आप टेलीग्राम पे पूछना, अपने दोस्त का कोड लगाना, अमेजिंग प्लेटफॉर्म, अमेजिंग मास्टर टीचर से ढेर सारे पोस्ट क्लास कॉन्टेंट है और ढेर सारे डाउट सॉल्विंग सेशन है। आप इवन के लाइट वाला, अगर प्रो लाइट वाला सब्सक्रिप्शन भी आप लेते हो तो आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। बट वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्रो प्लस पर जाओ, सो दैट कि आपको मेंटरशिप भी मिले, आपको दो साल के लिए एक प्रोफेशनल मेंटर असाइन हो जाए और आप बिंदास जो है वो मेंटर के हेल्प के थ्रू अपनी टेंशन से आप फ्री रहो। जो भी आपकी टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आएंगी, जो सब्जेक्ट रिलेटेड डिफिकल्टीज आएंगी स्पेशली, सब मेंटरशिप के थ्रू सॉल्व होती जाएंगी। अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मिस मत करो। ये याद रखो कि जब आप रिसोर्सेज यूज़ करते हो ना तो रैंक को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है। और बाकी हमारा लाइव प्लेटफॉर्म जो है उस पर टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है, पढ़ा करके दोनों में बहुत मज़ा आता है। तो लाइव प्लेटफॉर्म पर बिना थके हुए घर पर रहते हुए खाते पीते आप क्लासेस कर सकते हो। मैं तो खासकर बोलता हूँ खाते पीते,
इसलिए क्योंकि कैमरे के पीछे तो आप मस्ती में कुछ भी, क्लास में तो आपको प्यास लग जाती है, आप उठ करके जा नहीं पाते हो अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो। यहाँ पर तो कैमरा ऑफ है, हाँ मैं जब रहता हूँ तो कैमरा ऑन कर लेता हूँ, लेकिन पानी वानी पीने में, जूस वूस पीने में, खाने में क्या ही टेंशन है, वो तो आप कर ही सकते हैं ना। अगर किसी को डाउट लगे तो मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो, और इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर मैंने बीस्ट केमिस्ट अपना आईडी बताया क्लास के स्टार्टिंग में, मैसेज कर लो और डिस्कस कर लो। दोस्त का कोड लगाओ MRCC, जब आप कोड लगाओगे 10% ऑफ तो मिलेगा, बट एडिशनली मैं आपकी हेल्प करूंगा टेलीग्राम पर। आपको कोई भी टेंशन होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मंडे से टेलीग्राम पर रिप्लाई करने का सिलसिला चलने वाला है। ओके, बंद करते हैं क्लास को, बट साथ साथ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अपना मल्टीपल कोर्स वाला, आप अगर किसी एक बैच में एनरोल्ड होते हो पैरेलली आप ढेर सारे दूसरे कोर्सेज भी कर सकते हो अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन पर हो तो। आपका कोई टॉपिक खराब हो रहा है उसको बार बार रिपीटेडली आप रिपीट कर सकते हो आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। माइक्रो कोर्सेज आपके दोस्त के भी आने वाले हैं, अपनी टीम के आने वाले हैं, तो माइक्रो कोर्सेज मिस मत करना। और माइक्रो कोर्सेज आपका सबसे बड़ा हथियार है, आप देख रहे हो चैप्टर्स वगैरह आप रिवाइज कर सकते हो, ब्रिज कोर्सेज कर सकते हो, कोई लाइव डाउट सॉल्विंग है वो कर सकते हो, फायदे ही फायदे हैं, कोई टॉपिक आपका वीक ही नहीं रहेगा माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, ब्रिज कोर्सेज के थ्रू, मल्टीपल कोर्सेज के थ्रू। दूसरा, पढ़ने के अपने फायदे, अपने मजे, और मास्टर टीचर अमेजिंग है। और अभी के टाइम पे ये ऑफर है, आपको अगर कहीं भी थोड़ा सा डाउट भी है तो आप उस डाउट को हटा करके फटाफट सब्सक्रिप्शन ले डालो। ये VIP प्रॉमिस है आपके पास कि अगर आपको कभी लगा भी कि प्रोग्रेस नहीं भी हुआ तो पैसे वापस, बट ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है। ओके ठीक है, चले बाय, आप रिलैक्स करो, इसके बाद जो है टमाटर खाने हैं आपको, ओ सॉरी विनय सर का सेशन करना है, चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओ हो तू ही मेरी शब है, सुबह है तू ही दिन मेरा, तू ही